रोमा सईदैन बेटा, हमने कल क्या पढ़ा था? सर, रुके सर, ओके सर, कल हमने अच्छा एग्जांपल्स ठीक है, उसके फिर आगे चलते हैं ना। मुझे लगता की है कि ये वाला नोटबुक था, मैं जरा नोटबुक शेयर कर दूं फिर स्टार्ट करते हैं आगे। थी। सर, हमने हॉल प्रॉप कर लिया। बिल्कुल बेटा, हमने कर लिया। ये कौन सा बच्चा बात कर रहे है? ये रोमा ही बात कर रही ओहो, हॉल प्रोब के बाद आप आई है ना। हॉल प्रोब कब का कर जी लिया? सर। हमने कर लिया मैग्नेटिज्म का, तो आखिर है ना जब आप आई है। लेकिन मैं आपको करवा दूंगा, यू डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू बी रेगुलर, बाकी ठीक मेरी जिम्मे है। है, यस सर, बेटा एक चीज की बात आपने नहीं करनी ग्रेड की, मैं गारंटी लूंगा, वो ये कि वो जो हंगामा नहीं मचाते बच्चे के, सिलेबस कब खत्म होगा, क्यों खत्म होगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि एक एक चीज को करना है समझ के और पक्का करना है। तो इन दैट केस A2 में रिस्क नहीं लिया जा सकता। A1 में दो चार फॉर्मूले रट के ना बंदा ग्रेड ले जाता है। A2 में पूरी समझ हो, टीचर अच्छा सा आपको समझाए, फिर ही आपका अच्छा सा ग्रेड आता है। अच्छा, अब ये हमने किया था यहां तक, और आखिरी जो सवाल था वो स्विचिंग वाला था, ठीक है। अब इस सवाल में मैंने ना आपको ग्राफ तो बनवा दिए करंट के वो सारे, लेकिन उसके आगे अभी हमने करना है, मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, वो आपने बताना है। अब सर एक आपसे ही क्वेश्चन, समझना था मैंने, महत तुमने कुछ समझना था बताओ। ये चार ग्राफ्स मुझे सही से समझ नहीं आए थे। ओके महत ये मैंने दोबारा समझाने हैं आज। अच्छा ओके अब बच्चों, रुबाब बेटा, आर यू देयर इन दी क्लास? यस सर, मैं बेटा लेट आपने होगी रिकॉर्डिंग सर। शेयर नहीं किया आपने बेटा। वो मुझसे हो नहीं रही पहले मैं, अच्छा वो पता है आईपैड से पहले करती होती थी, मैं आजकल अपने फोन से कर रही हूँ ना, तो वो मैं कर दूंगी, कुछ करती हूँ मैं जरा। चले नहीं, नहीं, मैं कर इट्स दूंगी, ऑल राइट, आप ठीक है, वो ठीक है। नहीं ना नहीं वो तो बच्चे बच्चे मेरे मुतल्लिक कहते हैं ना कि मैं बच्चों को गोली कराता हूँ, वो बात सब लोग कहते नहीं हैं। नहीं मैं बात गोली बलीद सर, आप जी सर, करवाता हूँ ना गोली बहुत कभी कभी। बहुत गोलियां कर रही हैं सर। अच्छा आगे चलते हैं। ये असल में मैं गोली नहीं करवा रहा होता, मैं अब तुम्हें यूं बताता हूँ ना। अब जो बच्चे मल्टीपल क्लासेस मेरे साथ ले रहे हैं, दे नो दैट कि मैं कल सुबह 8 बजे से कंटिन्यूअसली क्लास ले रहा हूँ विदाउट एनी ब्रेक। तो वो होता ही है कि मेरे पास बीच में टाइम ही नहीं होता ना, गोली नहीं हम करा भी तो रहा ले मैं। रहे हैं, आज कौन 14 है से तभी सर? क्लास ले रहे हैं। नहीं आज मैं सुबह से, आज भी सुबह से ही क्लास ले रहा हूँ। अच्छा आप देखो, क्योंकि मल्टीपल डिफरेंट क्लासेस होती है ना, ये है सर जी। क्या सर, जी सर टाइम स्पेंड करें सर, आप भी मैं भी सर ख्वार हो रहे हैं। कोई बात नहीं, अब क्या यार, रोजी रोटी तो कमानी होती है ना बच्चों की, बच्चों के पेम्पर फीडर। ये फिजिक्स विजिक्स का मुझे कोई शौक नहीं है, मैं तो पैसों के लिए पढ़ाता हूँ। है मेहनत सर, की बात है, पे मिलती है, इसीलिए बंदा काम करता है, और क्या कोई टाइम आप ऐसा क्यों नहीं वेस्ट करते, नहीं पैसे जमा करता। करके कोई बिजनेस शुरू करें, कहाँ फंसते हैं। बेटा बिजनेस आता नहीं है ना, क्या करें फिर। ठीक हाँ ये भी सही है। है, अब हर कोई मलिक रियाज तो नहीं होता ना। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। और पाकिस्तान में ना, मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए ना आपको ना दिमाग चाहिए, ठीक है, ना आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको बेईमानी अच्छी आनी चाहिए। मेरी बात कोई नहीं माइंड ना कर करे, रहे लेकिन ऐसा, पाकिस्तान ऐसी बात में ना, नहीं। खैर एक बात मैं वैसे कह रहा हूँ, मतलब पाकिस्तान के अंदर ना, आप मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान में जो सबसे रिच लोग हैं दे आर पॉलिटिशियंस, ठीक है, और जो उधर अगर आप जाओ यूरोप में जाओ, वहां पे जो रिच लोग हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं, मतलब कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए। तुम अच्छा मुझे महाद ये बताओ, तुम अगर जाओ जी यूरोप सर, में, ठीक है, वहां पे ये जो अमीर अमीर लोग हैं, ज्यादा ज्यादा वो जो है टेस्ला का मालिक या जो भी हैं, उनकी यूनिवर्सिटी का या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक करो, ठीक है, और हमारे यहाँ जो रिच लोग हैं उनका बैकग्राउंड चेक करो, तुम खुद बताओ मुझे फिर। तो सर हमारे यहाँ हम उनको ना देखें ना जो मतलब खराब काम करते हैं, हम अपने आप को देखें, हम चेंज ला सकते हैं तुम उनका। मेरा पॉइंट समझ ही नहीं रहे मात। देखो नहीं मैं आपका ये, पॉइंट समझ रहा हूँ, लेकिन तुम हम मेरी लोग बात चेंज ला सुन लो ना, सकते मेरी हैं। बात सुन लो, मैं आखिरी बात करके फिर क्लास लेने लगा हूँ। बेटा बात सुनो, ओके सर, तुम्हारा काम चेंज लाना नहीं है, अभी तुम हो यंग, जब तुम्हारी हो जाएगी मैरिज, फिर तुम्हारे 5 बच्चे होंगे, तो तुम्हारा काम वो चेंज चेंज फिर पीछे रह जाते हैं, फिर बच्चों को पालना होता है। अच्छा आप सर देखो शादी करके 5 बजे कौन करेगा। बेटा, 3 तो हो ही जाते हैं ना। अच्छा नहीं ये देखो, इधर सुनो, इधर सुनो, आवाज आ रही है मेरी बीवी की, मुझे उसने मुझसे अभी भी पैसे मांग रही है। 1 सेकंड देता हूँ, ये लो वॉलेट ही ले जाओ, दोबारा ना मांगना। चलो बच्चों,
सारे ले जाओ, दोबारा ना मांगो, जाओ। अच्छा अब बच्चों ये सवाल करते हैं, अब मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो टाइम के साथ ग्राफ होगा। वलीद एक चीज हमेशा याद रखना, जो बंदा पैसों के लिए काम करता है वो ठीक करता है, और जो बंदा पैशन के लिए काम करता है जब उसका दिल करता है वो कर लेता है, जब दिल नहीं करता वो नहीं करता। तो जब जॉब पे किसी को हायर करना हो तो ये देखना होता है कि उसकी नीड भी है या नहीं है। जिसको जरूरत होती है वो फिर सही मेहनत से काम करता है, जिसको जरूरत ना हो वो फिर पैशन वैशन कुछ नहीं होता। पैशन में कौन सुबह सुबह उठेगा 8 बजे? अच्छा देखो ये है ना, अब ये पैशन होता है यंग एज में, जब बंदे के बच्चे हो जाते हैं, बंदा बुढ़ा हो जाता है फिर पैशन पीछे रह जाते हैं। अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स अब चेंज होते हैं ना विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स 18 में आपकी डिफरेंट थिंकिंग होती है, फिर 25 में डिफरेंट थिंकिंग होती है, फिर 30 में यू थिंक डिफरेंटली, फिर 40 में जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं तो आपकी थिंकिंग भी चेंज होती है। अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इट्स विद टाइम, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है भाई, क्या नाम है महद, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ग्राफ बना हुआ है। अब अगर मैं इसका कहूं कि मुझे बना के दो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का ग्राफ, ठीक है, आपको ये ग्राफ गिवन है, आपको कहते हैं चलें यार इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बनाओ, तो डू यू बिलीव कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इसका स्लोप होगा डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी, इसका क्या होगा, स्लोप होगा, और इसकी जो स्लोप है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। अब लेट्स सपोज जहां पे स्लोप होगी पॉजिटिव, यहां पे अगर हम देखें तो एट दिस पॉइंट डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी एक तो है पॉजिटिव और दूसरा है डिक्रीजिंग। मार डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, ठीक है, तो पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है। अब कोई बंदा अगर इस ग्राफ को यहां से फर्ज करें जी, कोई बंदा स्ट्रेट लाइन खींच दे ये ए से लेके बी तक, तो टिक लगेगा, बिल्कुल कोई गलती नहीं है, ठीक है ये। एक और बंदा कहता है नहीं हमने ना स्ट्रेट लाइन नहीं खींचनी, वो कहता है जी हमने कर्व बनानी है, बंदा ये कर्व बना देता है, उसके भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, वो भी ठीक है। सिर्फ ये बात है कि डिक्रीज हो रहा है और जीरो पे जा रहा है, लेकिन जनरली जब डिक्रीज होके चीज जीरो पे जाती है तो हम उसको डिक्रीजिंग रेट पे ड्रॉ करते हैं, जनरली ये हमारा कन्वेंशन है, फर्क नहीं पड़ता। सो ए टू बी रेट इज डिक्रीजिंग एंड फाइनली इट बिकम जीरो। महत क्या कहते हो, आइए समझ, महत आलम सर एक सेकेंड सर, ये डिक्रीजिंग रेट इंक्रीजिंग रेट नहीं है ना, ये डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग रेट है, केयरफुली देखो, नहीं डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग है ना सर, इंक्रीजिंग ना ना इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट होगा ना सर। सोलिया ठीक कह रही है, देखो सोलिया बेटा वेरी गुड, ये वलीद बात सुनो, ये है इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, ये है इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, वलीद समझ आ गई बात, नीचे वाले की बात, ओहो इसकी बात तो करनी नहीं है, मेरी बात सुनो, हम ऊपर वाले का रेट नीचे ड्रॉ कर रहे हैं उस पर तो जाओ ही ना, ना मेरी बात सुनो, इसका जो रेट है वो यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है, ये फ्लक्स है, हमने इसका रेट नीचे ड्रॉ करना है, समझो ये ग्राफ है डिस्टेंस का तो ये स्पीड का ग्राफ है। वलीद अब समझ आइए, फ्लक्स को अगर डिस्टेंस समझोगे तो डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी स्पीड होगा, आती है ये बात समझ वलीद, ले रहे समझ गया। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब ए टू बी अगर देखा जाए तो वैल्यू क्या हो रही है, ए टू बी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये ग्राफ हो गया ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक वैल्यू कांस्टेंट है फ्लक्स की, तो डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, तो बी से लेके सी तक बेटा कोई चेंज नहीं है, इट्स जीरो, इट्स कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज जीरो हो गया। फिर सी से डी बात करते हैं,
सी से डी अगर देखा जाए तो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, महा तुम बताओ साइन क्या होगा डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी का, पॉजिटिव या नेगेटिव? महा सी नेगेटिव बेटा, सी टू डी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी होगा नेगेटिव। और महा न्यूमेरिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, न्यूमेरिकली इंक्रीजिंग है बेटा जी, न्यूमेरिकली। स्लोप की बात हो रही है महा, ओके हाँ ठीक है, स्टीपर हो रहा है, स्टीपर हो रहा है यार, अब तुम ए टू में हो, अब इस तरह की मिस्टेक तो ना करो। अच्छा सी टू डी ये हो गया, तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि कर्व बनाओ स्ट्रेट लाइन बनाओ एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट वुड बी ईएमएफ इंड्यूस्ड, अगर आपसे कहा जाए व्हाट वुड बी ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो बेटा ईएमएफ इंड्यूस्ड का जो टाइम के साथ ग्राफ होगा वो बनेगा, अब यही वाली जो वैल्यूज हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होती है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का जो ग्राफ बनाया होगा उसको नेगेटिव कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो क्या बनेगा ईएमएफ इंड्यूस्ड। यहां तक ये हो गया बी टू सी फिर सी टू डी, उसको बस उल्टा कर देते हैं। महत क्लियर ये बात? जी सर ठीक है। महत एक और एग्जांपल है जिसका आंसर आप लोग खुद करेंगे, बच्चों एग्जांपल लिखो आपको जी, आपको गिवन है फ्लक्स का ग्राफ, सर एक सेकंड किसी साथ में मैंने चीज को कॉपी कर। जी बेटा खाली कॉपी, हाँ जी सर थैंक यू। अच्छा देखो अब फ्लक्स का ग्राफ है फॉर एग्जांपल, ये ग्राफ है, इसके हिसाब से बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या ग्राफ होगा। टाइम के साथ अमाद बीच वाली कहानी एग्जामिनर ने नहीं दी, वो जो डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी वाली है, वो एग्जामिनर ना भी पूछे तो यू आर सपोज्ड टू ड्रॉ दैट डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी, अगर एग्जामिनर ने नहीं भी पूछा तो यू आर सपोज्ड टू ड्रॉ दैट बाय योर सेल्फ। हाँ जी बच्चों कर दिया, तो बिल्कुल उलट बन जाएगा ना सर। बन जाएगा उलट सर, बिल्कुल उल्टा नहीं, तो पहले इसका रेट ऑफ चेंज नहीं बनाओगे क्या, ख्याल है पहले रेट ऑफ चेंज नहीं बनेगा इसका, पहले बात सुनो, पहले रेट ऑफ चेंज बनाओगे तो ही उसको रिफ्लेक्ट करोगे ना, तो पहले रेट ऑफ चेंज तो बना दो ना, मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी क्या होगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज फिर क्या होगी, यहां पे इंड्यूस्ड वोल्टेज होगी नेगेटिव एंड कांस्टेंट, क्या कहते हो, ठीक हो गया? अच्छा अब इंड्यूस्ड वोल्टेज इस रीजन में, यानी कि अगर हम इसको मार्क कर दें ए टू बी, तो ए टू बी जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है इट वुड बी नेगेटिव एंड कांस्टेंट। उसके बाद बी से लेके सी तक यू आर नॉट गेटिंग एनी वोल्टेज एट ऑल, बी से सी कोई वोल्टेज नहीं बन रही, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो, यहां पे डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी
इज नेगेटिव, लेकिन है यहां पे भी क्या कांस्टेंट, तो इट्स नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होगा, वी इंड्यूस्ड यहां पे होगा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। वलीद समझ आ गई? जी सर। तो अब यहां पे जो ग्राफ बनेगा वी इंड्यूस्ड का, इट वुड बी अ पॉजिटिव एंड कांस्टेंट वैल्यू, और ये होगा सी टू डी। यहां पे सी पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया। वलीद बन गया? जी सर बन गया। अच्छा, अब जरा लेंस लॉ जो है उसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सर ये ओरिजिन से नीचे क्यों नहीं आ रहा, मतलब सीधी लाइन क्यों है? पहले हम लोगों ने किया। हाँ मार बताओ। जैसे हम लोगों ने पहले बिल्कुल ऑपोजिट ड्रॉ किया था, उससे ड्रॉ क्यों नहीं किया, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ की है? मार मेरी बात सुनो, यहाँ पे स्लोप ना, स्लोप कॉन्स्टेंट है। अब देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है या फ्लक्स का? अच्छा, लेकिन अगर वो इंक्रीज कर रहा होता तो फिर हम लोग ओरिजिन से नीचे ले आते ना, जो होगा वही बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे ना। ठीक है बच्चों, बना दिया। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप खुद करेंगे। एक एग्जांपल है और ये बड़ी मुश्किल एग्जांपल है, इस पे बड़ा सोचना पड़ेगा आपको। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन सोचने वाली बात है, इतना भी मुश्किल नहीं है, बस सोचने वाली बात है। ये एक डीसी बैटरी है, उसके साथ आपने एक स्विच लगाया हुआ है, उसके साथ आपने एक कॉइल लगाई हुई है, और ये जो कॉइल है इसके अंदर आपने ये बताना है, ये कॉइल की साइड ए बी है, ए और बी कॉइल है फर्ज करें, तो आपने ये बताना है कि क्वेश्चन का ए पार्ट, विच साइड ए और बी will be, which side A or B will be the high potential, यानी कि positive, high potential मतलब positive, high potential point of V induced when फर्स्ट पॉइंट स्विच इज इनिशियली, व्हेन स्विच इज इनिशियली क्लोज्ड, सेकंड पॉइंट व्हेन स्विच वाज क्लोज्ड फ्रॉम, when switch was closed since a long interval, number 3 when switch is opened। beta sawal bada seedha hai कि ये कॉयल है, इसमें हम क्या करते हैं, डीसी बैटरी हमने लगाई हुई है, पहले हम करते हैं स्विच को क्लोज। जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो आप बताएं कि जब इंडक्शन अगर होगी तो ए और बी में से पॉजिटिव साइड कौन सी होगी। फिर हम स्विच को करते हैं ओपन, जब हम स्विच को ओपन करते हैं फिर आप बताएं कि इसमें से जो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड कौन सी होगी। महद आपको सवाल समझ आ गया? यस सर। ठीक है, इसका पहले एक बार खुद सोचो आंसर, मैं आपको एक मिनट दे रहा हूं, अपने अपने आंसर लिख लो। मैं आपको एक मिनट दे रहा हूं जिसमें आप अपने अपने आंसर लिख लो, जब तक मेरा एक सैंडविच बना हुआ मैं खत्म कर लूंगा एक मिनट में। बच्चों अपने अपने आंसर लिख लो, जो भी समझ आती है। सर अगर आंसर सही हुआ सर फिर ए स्टार दूंगा मॉक में, तुम्हारा टीचर भी मैं हूं स्कूल का। बस सर बेहतरीन। गलत हुआ तो फेल कर दूं? सर थोड़ा रिस्क तुम कर, थोड़ा थोड़ा रिस्क तुम भी लो ना।
नहीं सर, ये डील में ढूंढ नहीं है सर, कैंसिल। अच्छा बात सुनो, अब मैं हिंट देता हूं, उसके बाद तुम खुद ही समझ जाओगे। लेंस लॉ ये कहते हैं, चले पहले देखते हैं बच्चों ने क्या आंसर किया है। महक तीनों के आंसर बताओ जरा, तुम्हारे क्या आंसर हैं? सर फर्स्ट का मेरा आंसर ए है। फर्स्ट का तुम्हारा आंसर है ए। अच्छा सेकंड का? अगर वो गलत है तो फिर सारे गलत होंगे, आपको बताएं ठीक है। पहले सेकंड का बताओ। उसका बी आंसर है। और थर्ड का? थर्ड का वापस ए आंसर है। तुक्के मारे या कोई लॉजिक थी? नहीं नहीं लॉजिक थी, पहुंचा नहीं था थर्ड में, तुक्का मारे। लॉजिक बताओ। सो इट इज इनिशियली क्लोज, तो पॉजिटिव नेगेटिव हम लिखेंगे, और जो सेकंड है उसमें लॉन्ग इंटरवल के लिए, तो उसमें ये कि वहां तक पहुंच जाएगा बी तक, तो इसलिए ना महद ऐसे नहीं है, तुमने कोई अपनी थ्योरी बनाई हुई है। सूर्या बेटा आपके क्या आंसर्स हैं? सर मैंने तो सोचा भी नहीं है इस पे सही से। माशाल्लाह। रुबाब बेटा आपने कोई आंसर किए? सर समझ नहीं आया मुझे। अच्छा मैं बताता हूँ, लेंस लॉ क्या कहते हैं, जो आप काम करोगे इंडक्शन उसके अपोजिट काम करेगी। अब मैं आपको बताता हूं इस पे सोचना कैसे है। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो करंट बढ़ेगा, जब आप स्विच ऑन करेंगे तो इनिशियल करंट बढ़ेगा, जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो इनिशियल करंट कम होगा, जब स्विच लंबे टाइम से क्लोज होगा तो उस वक्त करंट होगा कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब मेरी बात सुने, जब आप करंट को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो करंट को कम करने की कोशिश करेगी। ठीक है, जब आप स्विच को करेंगे ऑन आपका करंट बढ़ेगा। फातिमा कमर बेटा आप बताएं, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। आप मुझे ये बताएं, लेंज लॉ क्या कहता है कि अगर इंडक्शन करंट के बढ़ने की वजह से हो रही है तो ये कॉयल उस करंट को अपोज करेगी, उसको रोकने की कोशिश करेगी। जैसे अगर उस करंट का फ्लो होगा क्लॉकवाइज तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। ठीक है, अब जब आप स्विच को करेंगे ओपन, जब आप स्विच को ओपन करेंगे, रोमा बेटा आप बताओ, जब स्विच को ओपन करेंगे तो जो ओरिजिनल करंट है, जो बैटरी का करंट है, वो कम होगा या ज्यादा होगा? क्या कहती है बेटा रोमा बेटा? सर कम हो जाएगा। वो कम होगा। तो लेंस लॉ क्या कहते हैं, अगर करंट के कम होने की वजह से इंडक्शन हो रही है तो फिर जो इंडक्शन है वो करंट को कम होने से रोकेगी। लेंस लॉ ये कहता है जो कॉज होगा उसको अपोज करेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन का हमने आंसर कैसे करना है, ये आप देखते जाएं। मैं आपको पूरी जो लेंस लॉ की कहानी है उससे ये समझाऊंगा। ये है जी करंट और ये है टाइम। महद टाइम टी वन पे हमने स्विच ऑन किया, जब स्विच ऑन किया तो करंट बढ़ा और उसके बाद करंट कांस्टेंट हुआ, उसके बाद हमने टाइम टी टू पे स्विच ओपन किया तो करंट क्या हुआ, कम हुआ। ये हो गया जी ग्राफ। अच्छा ये जो मैंने कल ग्राफ बनाया था ना, ये ओरिजिनल अभी ग्राफ बनाया, कल मैंने बस ऐसे रैंडम सा बना दिया था। असल में ये होता है कि जब करंट कांस्टेंट हो रहा होता है तो वो डिक्रीजिंग रेट पे होता है, चाहे कांस्टेंट होके जीरो पे जाए या किसी भी जगह पे जाए, जब कोई चीज चेंज होके कांस्टेंट होती है तो वो डिक्रीजिंग रेट पे होती है। खैर इस सारी बात को छोड़ो। अच्छा अब पहली बात, बी पार्ट इससे रिलेटेड है, ए पार्ट इससे रिलेटेड है और सी पार्ट इससे रिलेटेड है। रोमा बेटा इससे आप एग्री करती हैं कि ए पार्ट जो है वो इस इंटरवल से रिलेटेड है, ए से बी तक, यस और नो? यस सर। अच्छा जो बी पार्ट है वो इससे रिलेटेड है, बी टू सी, और जो तीसरा पार्ट है सी पार्ट वो इससे रिलेटेड है, सी टू डी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपसे पूछा जाए कि बी टू सी फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा, महत तुम बताओ बी टू सी फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। तो बेटा मैं सेकेंड पार्ट का पहले आंसर करूंगा। सेकेंड पार्ट क्या था, देखो कि अगर स्विच लंबे टाइम से क्लोज है और सर्किट चल रहे है तो बताओ उस टाइम पे ए और बी में से कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो हम कहेंगे सेकंड पार्ट का आंसर, व्हेन स्विच वाज, व्हेन स्विच वाज स्टेइंग क्लोज्ड
when switch was staying closed from a long time, then current would have become, then current would have become constant, constant, and hence जो फ्लक्स होगा भाईजान वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब अगर फ्लक्स हो जाएगा कांस्टेंट, तो बताओ अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। तो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी जो है जब वो जीरो होगा तो वी इंड्यूस्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ए और बी में से ना कोई पॉजिटिव होगा ना कोई नेगेटिव होगा, ना कोई लो पोटेंशियल ना कोई हाई पोटेंशियल। तो फातिमा कवर बेटा आपको ये बात समझ आ गई सारी, फातिमा कवर बेटा? जी सर। रोमा आपको समझ आ गई ये सारी बात? जी सर। अच्छा बात सुने, अब हम आते हैं जी फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट कौन सा वाला है जहां पे करंट बढ़ेगा। अब अगर करंट बढ़ेगा तो आपसे पूछा जाए कि भाई इंडक्शन क्यों हो रही है, तो आप कहेंगे करंट के बढ़ने की वजह से। तो अगर पार्ट वन में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रुबाब बेटा ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये फर्ज करें मैं ये पूछ रहा हूं कि व्हाट इज कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट पार्ट में जब आपने स्विच को क्लोज किया, कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी। रुबाब बेटा बताएं ए टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉज क्या है, व्हाट डू यू से? हाँ जी सर, मैं बताऊं? रोमा बेटा आप बता दें। सर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बेटा वो तो हर वक्त होता है, वो तो जनरल है। फर्ज करें ये मैं अगर कहूं कि चोरी किसने की है, आप कहें किसी इंसान ने, तो ये तो कोई जवाब ना हुआ ना। वो फ्लक्स का चेंज तो हर वक्त होता है, आप मुझे बताएं कोई इंसान ही चोरी करता है ना, तो फ्लक्स का जो चेंज है, ये स्विच क्लोज हुए वो भी बात ठीक है, स्विच क्लोज यार आप कहो करंट, करंट का इंक्रीज कहो ना। देखो लिसन, हाँ मतलब वही, यू शुड गो स्पेसिफिक। जब आपको आंसर करना है तो आप स्पेसिफिकली बताओ कि क्या हुआ है। देखो ए टू बी जो इंडक्शन का कॉज है मेरे हिसाब से वो करंट का इंक्रीज है। रोमा बेटा आप इससे एग्री करती हैं? तो जो इंडक्शन का कॉज है वो है इंक्रीज ऑफ करंट। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, अब आ रही है महद, मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है, बच्चों हुआ था कुछ मसला, अब ठीक है सब कुछ। अच्छा अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, अब इंडक्शन का जो कॉज है वो इंड्यूस, वो इंक्रीज ऑफ करंट है। अच्छा रुबाब बेटा लेंज लॉ क्या कहता है, अगर इंडक्शन हो रही है करंट के इंक्रीज की वजह से तो इंड्यूस्ड करंट का जो फ्लो है वो इस तरह से होगा कि वो इस कॉज को अपोज करेगा, यस और नो? रुबाब बेटा, हाँ जी रोमा बेटा आप बताएं, क्या ये मैं सही बात कह रहा हूं कि लेंज लॉ ये कहता है कि जो इंडक्शन का कॉज होता है उसको, जो इंडक्शन का कॉज होता है उसको इंडक्शन खुद अपोज करती है। रोमा बेटा ये बात सही है? जी सर। तो देखो अगर इंडक्शन हो रही है, अगर इंडक्शन हो रही है करंट के इंक्रीज होने की वजह से, तो खुद जो इंडक्शन है वो करंट को इंक्रीज होने से रोकेगी। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं पिछले पेज पे जाता हूं, आप मुझे बताएं जो ओरिजिनल करंट है उसका फ्लो किस तरफ होगा। मैं ओरिजिनल करंट कह रहा हूं बैटरी के करंट को। यहां पर अब दो बातें, बैटरी का करंट, इंडक्शन का करंट। रोमा बेटा अब यहाँ पे दो बातें, एक करंट है जो केमिकल की वजह से, सेल के अंदर केमिकल होता है ना, एक करंट वो है जो सेल की वजह से है और एक करंट वो होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से होगा। अब जो सेल का करंट है वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? फातिमा बेटा आप बताएं, फातिमा कंवर, सेल का करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। सेल का करंट है बच्चों क्लॉकवाइज, ठीक है, सेल का करंट है क्लॉकवाइज। और इस करंट के हिसाब से अगर हम कॉइल को एज अ रेजिस्टर ट्रीट करें तो ये वाली ए टर्मिनल है पॉजिटिव
और बी टर्मिनल है नेगेटिव, लेकिन ये किसकी वजह से है? ये ओरिजिनल करंट की वजह से, ये जो साइंस हैं दे आर बिकॉज ऑफ द ओरिजिनल करंट। अब बेटा जी आप ये बताएं कि अगर इंक्रीज ऑफ करंट इंडक्शन कॉज कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट को ओरिजिनल करंट की डायरेक्शन में फ्लो करना है या अपोजिट फ्लो करना है, उसको उसे डिक्रीज करना है ना। तो लिखो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अपोजिट, जबरदस्त यही बात मैं समझाने लगा हूं। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड करंट, द इंड्यूस्ड करंट मस्ट बी अपोजिट, इंड्यूस्ड करंट मस्ट बी अपोजिट टू अपोज द इंक्रीज टू अपोज द इंक्रीज ऑफ ओरिजिनल करंट, कह लो बेशक इंक्रीज ऑफ ओरिजिनल करंट सेल का करंट। तो भाई जो इंड्यूस्ड करंट है वो सेल के करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो बेटा जब ए टू बी वाला रीजन होगा, जब आपने स्विच को ऑन किया और करंट बढ़ा, तो ओरिजिनल करंट जो था वो इस तरफ था, इसको मैं आई सेल कहता हूं। तो इंड्यूस्ड करंट को फिर यूं फ्लो करना चाहिए, इंड्यूस्ड करंट अगर ओरिजिनल करंट को अपोज करेगा तो वो किस तरह फ्लो करेगा? उल्टी डायरेक्शन में। तो उसके हिसाब से बी वाली साइड हो जाएगी पॉजिटिव और ए वाली साइड हो जाएगी नेगेटिव। महद अब तुम अपने क्वेश्चन पूछो इससे रिलेटेड, या समझ आ गई? समझ आ गया। आ गया समझ सोलिया बेटा आपको? जी सर। रोमा बेटा आपको है क्लियर? जी सर क्लियर। ठीक है okay. तो जब हमने स्विच को इनिशियली क्लोज किया तो ये पूरी बात ना एग्जामिनर इसी तरह लिखवाएगा, हम पूरी बात फिर ये लिखेंगे कि ओरिजिनल के ऑपोजिट होगा, तो हम कहेंगे पोलैरिटी ऑफ कॉइल फॉर ओरिजिनल करंट, पोलैरिटी ऑफ कॉइल फॉर ओरिजिनल करंट, ओरिजिनल करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है सेल के हिसाब से, तो उसकी हिसाब से जो पोलैरिटी बन रही है वो है ये साइड पॉजिटिव थी ए वाली और ये साइड नेगेटिव थी बी वाली। तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल मेक बी पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव एंड इट विल ये सवाल तो इतने दफा आपके पेपर में रिपीट हुआ है कि मैं क्या बताऊं, एंड इट विल टेंड टू डिवेल्प अ करंट अपोजिट टू। इसके बाद मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊंगा, लेकिन इसके बाद अपोजिट टू द इनिशियल करंट, अपोजिट टू द ओरिजिनल करंट या इनिशियल करंट। महत कोई कंफ्यूजन है अब इसमें? सर एक दफा समरी दे सकते हैं प्लीज? बिल्कुल दे सकता हूं। जब आपने स्विच ऑन किया तो ओरिजिनल करंट बढ़ा, तो इंड्यूस्ड करंट इस इंक्रीज को अपोज करने के लिए इसके उलट फ्लो करेगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं है। मैंने जितनी सारी खप डाली है उसका मतलब यही था कि जो कॉज ऑफ इंडक्शन है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जो इंडक्शन है वो अपने कॉज को अपोज करेगी, और करंट की वेरिएशन जब हो रही है अगर उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है और करंट का इंक्रीज इंडक्शन कॉज कर रहा है, तो इंडक्शन इस करंट के इंक्रीज को अपोज करेगी। ठीक है जी। रियान अजमत आपको अच्छी तरह समझ आ गई ये सारी कहानी? जी सर। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब जो है मैं करता हूं थर्ड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट का आंसर मैं नहीं करूंगा, थर्ड पार्ट का आंसर करेंगे जी रियान अजमत करेंगे। रियान अब थर्ड पार्ट तो तुम दो मिनट में आंसर कर सकते हो। रियान थर्ड पार्ट के लिए तुम टीचर हो, बताओ। सर उसमें करंट डिक्रीज कर दिया है। जबरदस्त रियान, देखो रियान असल में पता है क्या? रियान मेरी बात सुनो,
असल में जो अकलमंदी का इम्तिहान होता है वो ये होता है कि एक पार्ट समझने के बाद उसी कॉन्सेप्ट को अगले पार्ट पे अप्लाई किया जाए, ये मेन बात है। तो थर्ड पार्ट आप स्टार्ट करो, शाबाश। सर थर्ड पार्ट में करंट डिक्रीज कर रही है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो उसको पोज करेगा। तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो ओरिजिनल करंट की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्यों? ताकि वो उसके डिक्रीज को रोक सके, ठीक है। लेंज लॉ ये कहते हैं, देखो तीसरे पार्ट में इंडक्शन क्यों होगी, करंट के कम होने की वजह से। जब आप स्विच ओपन करेंगे तो करंट हाई से जीरो पे जाएगा, अब करंट जब ड्रॉप होगा तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो पूरी कोशिश करेगा कि करंट नीचे ना जाए, क्योंकि जो उसका कॉज है अब वो करंट का ड्रॉप है। तो न्यालिश बेटा आपको समझ आ गई ये सारी बात? जी सर। महत तुम पूछो अपना सवाल। सर करंट इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हमेशा आई इंड्यूस अपोज करेगा ना। जबरदस्त, यही तो बात है, लेंज ने काम आसान कर दिया ना हमारा। अच्छा देखो, अब जो तीसरा पार्ट है उसमें हम लिखेंगे, और कभी कभी एग्जामिनर कहता है कि बताओ करंट कांस्टेंट क्यों हो जाता है, ये सवाल एक बार आया हुआ है। करंट कांस्टेंट पता है क्यों हो जाता है, कॉइल के अंदर करंट कांस्टेंट क्यों हो जाता है, ये सवाल पूछा हुआ है उसने एक बार। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब करंट बढ़ता है तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो भी बढ़ता है, उसके वो अपोजिट फ्लो कर रहा है, वो ओरिजिनल करंट को अपोज करता है, इसलिए करंट कांस्टेंट हो जाता है। सोचो जरा, जब करंट बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट उसको अपोज कर रहा है, इसलिए वो इसको उसको एक जगह पे मेंटेन कर देता है। बात मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? जब आपने स्विच ऑन किया है तो करंट को कांस्टेंट कैसे, करंट कांस्टेंट हो गया है, तो एग्जामिनर पूछेगा बताओ करंट कांस्टेंट क्यों हो गया, बढ़ता क्यों नहीं जा रहा। तो आप इसका आंसर ये भी कर सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड करंट है कॉयल में से, जो इंड्यूस्ड करंट है वो उसको एक लिमिट में लेके आएगा, क्योंकि वो उसको अपोज कर रहा है। खैर अभी इतना हम डिटेल में नहीं जाते, अब हम एक्सप्लेन करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट है सी टू डी जो हुआ है उसकी बात करते हैं। सी टू डी अगर मैं आपसे पूछूं, रुबाब बेटा आपने बताना है, सी टू डी रुबाब बेटा बताएं कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, जल्दी से बेटा। जब भी आप लेंज लॉ अप्लाई करेंगे आप कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉज क्या है। रुबाब बेटा बताएं कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम सी टू डी, जल्दी। चलो आप बता दो। नहीं आप बताएंगे, सी टू डी देखें, ये है, ये सी है, ये डी है, स्विच ओपन हुआ, थर्ड पार्ट की बात हो रही है, देखें ना थर्ड पार्ट में क्या हुआ, आप बताएं, स्विच ओपन हुआ ना, जब स्विच ओपन होगा क्या इफेक्ट होगा, करंट? हाँ जी रुबाब बेटा, करंट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, जहरी सी बात है, स्विच ओपन कम होगा। आपको ये तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए, व्हाई आर यू आस्किंग दिस, यू शुड टेल जब स्विच ओपन होगा तो कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, डिक्रीज ऑफ करंट, डिक्रीज ऑफ करंट, डिक्रीज ऑफ करंट फ्रॉम द सेल। क्या ख्याल है, ये सेल का करंट है ना जो डिक्रीज हो रहा है, रुबाब बेटा ऐसे ही है? यस सर। अच्छा अब जब सेल का करंट होगा कब, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होगा फिर, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड करंट, हाँ जी रोहमा बेटा, इंड्यूस्ड करंट किस चीज को रोकेगा, अपने कॉज को, ठीक है, उसका कॉज क्या है, करंट का कम होना, तो इंड्यूस्ड करंट उसको री इन्फोर्स करेगा या अपोज करेगा, रोहमा बेटा व्हाट डू यू से? बेटा सोच के बताएं, देखें आप तुक्का ना मारें, मेरी बात सुने, अगर कोई चीज कम हो रही है, अच्छा रोमा बेटा आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक बोतल के अंदर सुराख हो गया, पानी गिर रहा है, आपने लेवल मेंटेन करना है, उसमें फर्दर पानी ऐड करेंगी या निकालेंगी? सर निकालेंगे पानी। बेटा पहले ही सुराख हो गया फिर आप और निकालेंगी, मेरी तो बात सर, ताकि सुराख के नीचे तक चला जाए ना पानी। बेटा तो नहीं जाने देना ना, लेवल को मेंटेन करना है, फिर कैसे करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे ना। तो बेटा मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ ना, देखें आपने स्विच ओपन किया तो करंट कम हो रहा है, ठीक है, अब करंट के कम होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही है, बिजली बन रही है। अब लेंस ये कहता है कि जिस वजह से भी बिजली बनेगी वो बिजली उस वजह को अपोज करेगी। अब ये जो इंडक्शन है या इंड्यूस्ड करंट है
ये करंट को कम होने से रोकेगा। तो ये करंट को जब कम होने से रोकेगा तो करंट में ऐड होना चाहिए या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए? ओरिजिनल करंट हो रहा है कम, ऐड होना चाहिए। जब उसको ऐड होना चाहिए तो बेटा एक चीज कम हो रही है, आपने उसको मेंटेन करना है, कम नहीं होने देना। रुबाब बेटा ये बताइए, करंट कम हो रहा है, आपने उसको कम नहीं होने देना, तो आप क्या करेंगे उसमें? और करंट ऐड करेंगी ना, यही हो सकता है जी। यस सर। तो और करंट ऐड कब होगा? जब वो उसकी डायरेक्शन में फ्लो करेगा या उसके उल्टा फ्लो करेगा? उसकी तरफ फ्लो करेगा, राइट। तो बेटा यही मैंने बात समझानी है। देखें, जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो ओरिजिनल करंट होगा ड्रॉप, और यही कॉज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉज है वो डिक्रीज इन करंट है। तो अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो एक करंट डिवेलप करेगी जो ओरिजिनल करंट में ऐड होके उसको डिक्रीज होने से रोकेगा। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस रुबाब बेटा? यस सर। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो, द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो, the induced current will flow in the direction of original current, in the direction of original current to original current ki jab direction mein flow karega to uska kya effect hoga? To not let it, to not let it decrease. क्या महद आप ये सारी बात एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब करंट ड्रॉप होता है तो जब हम स्विच ऑफ करते हैं और करंट ड्रॉप होता है तो इंड्यूस्ड करंट को किस तरफ फ्लो करना चाहिए, और ये आपको कैसे पता चला और क्यों पता चला, जल्दी से बताओ। अगर वो कम हो रहे हैं तो उसकी ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन में होगा वापस इंड्यूस्ड करंट, ताकि वो बैलेंस हो जाए या इक्वल हो जाए वापस। हाँ निहालिश बेटा, आपको अच्छा सा एक्सप्लेन कर सकती है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ कि जब करंट, जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट ओरिजिनल करंट की डायरेक्शन में क्यों होता है? निहालिश बेटा क्विकली। सर क्योंकि जो करंट होता है कम हो जाता है तो लेंस लॉ क्योंकि अपोज करते हैं उससे, तो वो चाहता है कि मतलब कि करंट उसे फ्लो करता रहे दोबारा से सर्किट में। हाँ, तो इसलिए और जो इंड्यूस्ड करंट है वो ओरिजिनल करंट की डायरेक्शन में फ्लो करता है। रुबाब बेटा अब आपको है क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चों, ये हो गए इन सब के आंसर। अब आप आ जाएं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आपने करना है। ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा तेज करना है। देखिए आपके पास है सप्लाई, इस सप्लाई के साथ हमने लगा दिया स्विच, यहां पे लगा दी कॉइल। डू यू नो दैट कि जब कॉइल में से करंट गुजरता है तो ये मैग्नेटाइज हो जाती है? माद ये बात है पता या नहीं है? पता सर। ठीक है, ये आपने ओ लेवल में सीखा हुआ है। अच्छा, अब इसका जो करंट है इन एम्पियर्स वर्सेस टाइम, ये मैंने अभी तुम्हें बना के दिखाया है, मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ। ये करंट है, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है, फिर जब स्विच ऑफ करते हैं तो इस तरह डिक्रीज करते हैं। अब जो इंटरवल्स हैं इसके वो हैं जी ए से बी, बी से सी, सी से डी। बी से सी करंट कांस्टेंट, टाइम टी वन वो टाइम है जहां पे स्विच ऑन किया, और टाइम टी टू वो टाइम है जब स्विच ऑफ किया। सिंपल इज दैट क्वेश्चन का ए पार्ट। ये मैं एक बार पहले करवा चुका हूं लेकिन आज आपने खुद करना है और थोड़ा तेज करना है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थ्रू द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थ्रू द कॉइल, ये आपने खुद बनाना है, और इसका ग्राफ टाइम के साथ। मैं सिंबल यूज नहीं कर रहा सो दैट आपको पता हो कि किसका ग्राफ बना रहे हैं, टाइम के साथ, टेस्ला इसका यूनिट होता है। उसके बाद आप देखें मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या ग्राफ बनेगा, यू नो द यूनिट, इट्स वेबर। अच्छा, और ये भी टाइम के साथ आपने ग्राफ बनाना है। उसके बाद जी आपने जो ग्राफ बनाना है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो भी आप बनाएंगे टाइम के साथ।
ठीक है बच्चों, ये ए पार्ट जब आप कर लेंगे फिर मैं बी पार्ट बताऊंगा। ये आपके पास एक मिनट है, आपने खुद आंसर करना है। मैं एक मिनट में आ रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा काम है, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ, जब तक आप इसके आंसर करेंगे। बात हो गया? यस सर, हो गया। जबरदस्त, चेक करें फिर। चेक कर लें सर। या अल्लाह खैर, पहला जो ग्राफ है वो बी का है। बी और आई, तुम बड़ा एंजॉय करते हो एकेडमी की क्लासेस को महद हैं। ये एंजॉयमेंट के मैं यार, तो वो जहरी सी बात है, बच्चे कंप्लेने लगा देते हैं सिलेबस नहीं हो रहा, फिर इसलिए मैं भाग दौड़ मचाता हूँ ना। अच्छा देखो, बी जो है प्रोपोर्शनल है आई के, ठीक है। बी और आई का क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पाकिस्तानी कौम है ना, अपना भला भी नहीं समझती, अब बंदा क्या करे फिर। तो ये है जी पॉइंट ए, यहां से लेके यहां तक। मैं महद, मुझे 15 साल हो गए टीचिंग करते हुए, कसम से कह रहा हूं, जब भी मैंने ऑनेस्टली पढ़ाया ना, आखिर में बच्चों ने ना आके यही बात कही है, इतना स्लो है, इतनी ज्यादा डिटेल हो गई है, कैसे रिटेन करेंगे। ये बहुत बड़ा मसला है, जब आप ऑनेस्टली कोई काम करो तो ये मसला लाजमी होता है। अच्छा, अब ए तक, फिर वो बंदे को काम निकालना पड़ता है, अपने सर से उतारने वाली जो बात होती है। अब ए जो है वहां तक अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, उससे लेके ए से लेके बी तक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट पे। महद, अंडरस्टूड? यस सर। क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है ना, उसके बाद फिर ये कॉन्स्टेंट होगा, उसके बाद फिर ये डिक्रीज होगा, और फिर ये खत्म, बस कहानी खत्म। अच्छा अब इधर आ जाओ, ये हो गया ग्राफ किसका, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। अच्छा महद, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका बी के साथ क्या रिलेशन है? वी नो दैट फाई हैज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद बी, बिकॉज द रिलेशन इज फाई इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा। ये एक टर्न की बात हो रही है फर्ज करें, ठीक है महद? ठीक। अब yes, फ्लक्स जीरो होगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ वही फ्लक्स का ग्राफ, सिंपल इज दैट। अच्छा, उसके बाद जो वोल्टेज का ग्राफ होगा वो हम पहले ही सीख चुके हैं कि सिर्फ ए टू बी वोल्टेज होगी और फिर होगी सी टू डी। महद, मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे बताओ ए टू बी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, तो जो वोल्ट बनेंगे वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? वो भी पॉजिटिव होंगे। महद, महद क्या कर रहे हो? नहीं, नेगेटिव होंगे, सॉरी सर, नेगेटिव होंगे। देख लो फिर, नेगेटिव डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी होती है। हाँ, तो अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव है। देखो, जब कोई चीज इंक्रीज करती है उसका रेट जो होता है, फ्लक्स वर्सेस टाइम का जो रेट होता है वो होता है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। महद, जब ये पॉजिटिव होगा ना तो वोल्ट नेगेटिव होंगे, और जब ये नेगेटिव होगा, ठीक है महद, समझ आ गई बेटा बात? यस सर। तो ए टू बी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव है तो वोल्ट होंगे नेगेटिव, लेकिन क्योंकि रेट कम हो रहा है तो वोल्ट भी कम होंगे, और जब रेट जीरो हो जाएगा तो वोल्ट भी जीरो हो जाएंगे। रुबाब बेटा, आपको समझ आ गई इसकी यहां तक? जी सर, आ गई। अच्छा, अब बी से लेके सी तक वोल्ट जीरो होंगे। अच्छा, अब उसके बाद जो है सी टू डी, अगर आप देखें तो डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी नेगेटिव है, तो वोल्ट क्या होंगे आपके, पॉजिटिव होंगे, लेकिन वो फिर क्या होंगे, डिक्रीज होके, रेट फिर डिक्रीजिंग है, डिक्रीज होके जीरो पे। महद, बना दिया? सही, आखिरी पार्ट नहीं समझ आया, बिल्कुल आखिरी पार्ट में मेरी बात सुनो। आखिरी पार्ट में डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी है तो डिक्रीजिंग, दूसरा स्टीप, लेस स्टीपर होता जा रहा है ना। डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी जो है वो नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है, हम उसके हिसाब से चलेंगे ना, तो जो वोल्ट होगा वो भी क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव
और होगा लेकिन डिक्रीज है, ये लो। आ गई आप बात समझ? सर आपने गलत नहीं बनाया सर? नहीं मैंने बिल्कुल ठीक बनाया। जीरो से स्टार्ट हो रहे सर उसमें ऊपर, तो सर नीचे दर से जीरो से स्टार्ट नहीं होगा? ना 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 ना, ऐसे नहीं है। जब करंट जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू से जीरो पे जाएगा तो वो जाएगा डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है? इंस्टेंट आप ले लें सर, आप ए को सर आप जीरो ले लेते हैं सर, आप वैल्यू पुट करें जीरो में तो सर नेगेटिव को अगर आप जीरो करें जीरो वैल्यू। फिर से बताओ, फिर से बताओ क्या कह रहे हो, फिर से बताओ। सर मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई और डेल्टा टी है ना हमारे पास, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, आगे बताओ आप। नहीं नहीं यार मैं खुदा के बंदे, मैग्नेटिक फ्लक्स तो खुद फ्लक्स है, उसका रेट ऑफ चेंज डेल्टा टी कह रहा हूं सर। बेटा डेल्टा फाइव और डेल्टा टी जो है, मुझे एक बात बताओ, इस वाली कर्व पे बात करते हैं तुम, सी डी की बात करो या ए बी की, पहले मुझे ये बताओ। ए से बी की बात करो, मैं ए से बी की बात करो, मुझे बताओ ए से बी जो है ये ए है और ये बी है, जब तुम स्विच ऑन करोगे तो करंट इंक्रीज होके कांस्टेंट हो जाएगा। अब बताओ ए से बी की तुम्हें शेप में मसला है या नहीं है? नहीं है सर, शेप में कोई मसला नहीं है। तो मुझे बताओ इस जगह पे डेल्टा फाइव और डेल्टा टी जीरो नहीं हो रहा, और इस जगह पे डेल्टा फाइव और डेल्टा टी जो है वो हाईएस्ट नहीं है, क्या ख्याल है बताओ? इस तरह सर, नहीं सर ये बात समझ क्या मतलब, ये रेट क्या होता है उसका, स्टीपनेस होता है, कहाँ पे गए हुए हो तुम? अगर डिस्टेंस टाइम से तुम्हें स्पीड टाइम बनाना है, मुझे ये बताओ एक मिनट, तुम्हें डिस्टेंस टाइम से अगर स्पीड टाइम बनाना है क्या करोगे? बेटा ये काइनेमेटिक्स में नहीं सीखा हुआ तुमने कि अगर तुम्हारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और वो इस तरह का है तो बताओ इसका स्पीड टाइम किस तरह का होता है, बताओ जरा। हाँ भाई वलीद, इसका स्पीड टाइम किस तरह का बनाते थे, कुछ याद है? आया याद, यस और नो वलीद? याद आ गया सर, याद आ गया। तो फिर देख लो, फिर उसी को नेगेटिव कर दिया। अच्छा बात सुने, ये सारी बात हो गई, ये मैं एक बार पहले भी करवा चुका हूँ, अब जरा आ जाए। अच्छा पहली बार जब हमने किया था ना तो सी टू डी वाला रीजन हमने उल्टा बनाया था, उसकी हमने केयर नहीं की थी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ आपको जाना होता है, लेकिन ये जो अभी हमने बनाया ये एक्चुअल है, तो ये रियल लाइफ पे बेस्ड है, रियल लाइफ सिचुएशन है। अब ये हमने कर दिया ए पार्ट, अब बी पार्ट। बी पार्ट में बस मैं दो सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, यूज I versus T and ये बल्कि जनरली हम बात कर लेते हैं, यूज I versus T and EMF induced versus T graphs, यानी कि पहला ग्राफ और आखिरी ग्राफ। मार कह सकते हैं ये बात, जब एग्जामिनर कहेगा कि करंट टाइम और वी इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम यूज करो, तो एग्जामिनर क्या कहना चाह रहे हैं कि पहला ग्राफ और कौन सा ग्राफ महत, आखिरी ग्राफ, ये दो यूज करो। इंड्यूस्ड ग्राफ्स टू नंबर वन, टू रेफर लेंस लॉ फ्रॉम A to B and C to D. सवाल यह है कि आप लेंस लॉ का रेफरेंस दो या उसको वेरीफाई करो, ये जो A to B और C to D रीजन है। महद आप मेरी बात अच्छी तरह सुनना, आपने यहां पे यह कहना है कि A to B, मुझे बताओ A to B जो वोल्ट बन रहे हैं वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं? वो पॉजिटिव है। अच्छा ए टू बी पॉजिटिव वोल्ट बन रहे हैं, बेटा दोबारा देख लो ना, ए टू बी जो वोल्ट बन रहे हैं वो क्या है, वी इंड्यूस जो बन रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव है, यस सर। ए टू बी जो वोल्ट बना है वो नेगेटिव है, तो मुझे बताओ इस वोल्ट का जो करंट होगा वो ओरिजिनल करंट की डायरेक्शन में होगा या अपोजिट होगा, क्या कहते हो? अपोजिट होगा। अपोजिट होगा, तो वो ओरिजिनल करंट में एड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड होगा, ओरिजिनल करंट में से सब्ट्रैक्ट होगा। यही बात सुनो, यही बात हमने पिछले पार्ट में भी की है, पिछला क्वेश्चन इसी पे बेस था, और ग्राफ पे भी ये बात नजर आ रही है। फर्ज करो अगर मैं वो लंबी कहानी ना भी करता तो ये बात ग्राफ पे भी नजर आ रही है। ग्राफ पे अगर तुम देखो
ए टू बी जब ओरिजिनल करंट पॉजिटिव है और सी टू बी भी ओरिजिनल करंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव को अगर फर्ज करो तुम कह देते हो क्लॉक वाइज करंट, पॉजिटिव को क्या कह देते क्लॉक वाइज करंट। तो रुबाब बेटा आप बताएं जरा ए टू बी जो ओरिजिनल करंट है उसका साइन क्या है, पॉजिटिव या नहीं है? ए टू बी भी ओरिजिनल करंट पॉजिटिव है और सी टू डी भी ओरिजिनल करंट पॉजिटिव है, यस और नो रुबाब बेटा? फिर से रिपीट कर दें प्लीज। रुबाब बेटा मैं ये पूछ रहा हूं कि जो ओरिजिनल करंट है, जो करंट बना हुआ है ये वाला ओरिजिनल करंट, ये सेल का जो करंट है, ये हर जगह पे पॉजिटिव है या नहीं है? नो बेटा, इसका जो साइन है मेरी बेटा, ये करंट कभी नेगेटिव हो रहा है? आप मुझे ये बताएं, कभी जीरो वाली जगह से नीचे गया ये करंट? नहीं बेटा, ये हर वक्त पॉजिटिव है ना? यस। मैं आपसे पूछूं इसका क्या? नहीं, इसमें सब पॉजिटिव। यस हाँ, देखो ये करंट हर जगह पे पॉजिटिव है। अब जरा मुझे ये बताएं कि अगर फर्ज करें इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सुने, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है नेगेटिव तो उसका करंट भी होगा नेगेटिव, और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है पॉजिटिव तो उसका करंट भी होगा पॉजिटिव। अब जरा इंड्यूस्ड ईएमएफ के ग्राफ पे फोकस करें, ए टू बी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बेटा वो है नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि ए टू बी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का करंट होगा वो ओरिजिनल करंट के अपोजिट होगा, ये साइन से भी हमें नजर आ रहा है। ठीक है फातिमा कंवर बेटा आप बताएं, सी टू डी ओरिजिनल करंट का क्या साइन है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या साइन है बेटा, बताओ जरा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये क्या बता रहे हैं कि इंड्यूस्ड करंट और ओरिजिनल करंट की डायरेक्शन सेम होगी या अपोजिट होगी? सेम होगी। सेम होगी। और ओरिजिनल करंट और इंड्यूस्ड करंट आपस में क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। महत आप समझिए, ये ग्राफ पे भी चीज नजर आ रही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले चीज डिस्कस की है, जब हम ग्राफ बनाते हैं उसमें भी वो चीज है विजिबल। महत आ रही है बात समझ? ऐड नहीं बोला था जी बेटा, लेकिन मैंने भी ऐड नहीं बोला था। अगर आपने कहां पे सी टू डी या ए टू बी? सी टू डी। बिल्कुल ठीक है, सी टू डी ऐड होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ए टू बी सबट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट होगा। रोमा बेटा इसका स्टेटमेंट आप मुझे लिखवाएंगी पहले। सर ये आपने मेरे ख्याल से उल्टा नहीं बोल दिया? नहीं, मैंने बिल्कुल उल्टा नहीं बोला, मैंने बिल्कुल ठीक बोला है। ए टू बी आपका जो करंट है ओरिजिनल वो है पॉजिटिव, और जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नेगेटिव है। तो ए टू बी जो करंट है वो सब्ट्रैक्ट होगा, क्यों? क्योंकि ओरिजिनल करंट पॉजिटिव है और इंड्यूस्ड करंट नेगेटिव है। सी टू डी आपका ओरिजिनल करंट भी पॉजिटिव है और इंड्यूस्ड करंट भी पॉजिटिव है, और दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये करंट उसमें ऐड हो जाएगा। अब बताएं मैंने उल्टा क्या बोला है? नहीं नहीं ठीक ठीक है सर। ठीक है, अब आपने फिर स्टेटमेंट लिखवाना है। देखें रोमा बेटा आपने स्टेटमेंट लिखवाना है फ्रॉम ए टू बी, बताएं मैं क्या लिखूंगा? सर द इंक्रीज ऑफ करंट, because if the increase of current there is change in magnetic flux. acha kabhi kabhi beta aise hota hai Roma beta, ye baat na bada achhi tarah suniye, main batata hu, kabhi kabhi aisa hota hai ki examiner jo hai aapke sahi answer ko galat kar deta hai, pata hai kaise? ab examiner aap se keh raha hai ki aap use karo graph, theek hai, aur aap answer karti hain first time apne knowledge ki base pe, to aapko number nahi milenge. agar aap b part ka padhe statement mein kya kaha hua hai, graph use karo. अब आप मुझे ये बताएं, फर्ज करें अगर एक बच्चा अपने नॉलेज की बेस पे सही आंसर भी कर दे तो ग्राफ का कोई रेफरेंस ना, उसको नंबर मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि यू हैव टू यूज, ठीक है, तो एग्जामिनर चाहता है कि आपने क्या यूज करना है, उसका जो ग्राफ का रेफरेंस है वो यूज करना है। तो पहले हम ग्राफ से ही स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम ए टू बी द ओरिजिनल करंट, the original current is positive and induced emf is and induced emf is negative, which shows that the induced, बच्चों यहां तक कॉपी कर लो, which shows that the induced current will be opposite
then the induced current will be opposite to the original current and will be subtracted from the original current to not let it increase. वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि उसको इंक्रीज ना होने दें. रोमा बेटा समझ आ गई बात? महज जी सर. सी टू डी का स्टेटमेंट आप मुझे लिखवाएंगे. फ्रॉम सी टू डी अगर एग्जामिनर से नंबर लेने तो क्या लिखना चाहिए? कॉन्सेप्ट तो आप जो मर्जी बता दें लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर आंसर लिखना है तो हमें क्या लिखना चाहिए फ्रॉम सी टू डी? महत क्विकली अब के जो ओरिजिनल करंट है वो पॉजिटिव है. हाँ ग्राफ का रेफरेंस देंगे. ठीक है ओरिजिनल करंट ग्राफ में जो नजर आ रहा है वो है जी पॉजिटिव. वेरी गुड बेटा अगली बात बताओ. वी इंड्यूस्ड और जो वो भी पॉजिटिव है. वो भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल करंट एंड इट विल बी एडेड अप टू द ओरिजिनल करंट टू नॉट लेट इट डिक्रीज. वो इसके डिक्रीज को अपोज करेगा टू अपोज इट्स डिक्रीज. सो ओरिजिनल करंट इज अब समझिए कि ये ग्राफ और वो जो पिछला सवाल था ये दोनों इंटर रिलेटेड है आपस में. तो रुबा बेटा आप कंफ्यूज तो नहीं हो रही? हो रही हूँ थोड़ा थोड़ा. तो बेटा नहीं होना ना, इसको आप रिवाइज करेंगी बाद में. अच्छा देखें ओरिजिनल करंट है पॉजिटिव. ओके सर. ओरिजिनल करंट है पॉजिटिव और इंड्यूस्ड वोल्टेज भी है पॉजिटिव. बेटा इसमें ना मैं कम एग्जांपल्स करवा के ना काम चला सकता हूँ, वो फिर आप रिटेन बड़ा अच्छा करेंगे. लेकिन उसमें होगा ये कि एग्जामिनर ये सारी बलाएं पूछेगा. तो बच्चे जो है जब शॉर्ट नोट्स होते हैं ना और आसान वाले उनको याद तो बड़ा अच्छा कर लेते हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हेल्पफुल नहीं होते. तो इन एनी केस आपने एग्जाम क्वेश्चंस करते हुए ये सारी चीजें अटेम्प्ट करनी है. तो इंस्टेड ऑफ दैट कि आप बाद में पास पेपर करते हुए कंफ्यूज हूँ तो इट्स बेटर कि आप अभी इन चीजों को समझें और दोबारा रिवाइज करें और ताकि पास पेपर करते हुए आपको कंफ्यूजन ना हो क्योंकि ये सारा कुछ पास पेपर में आया हुआ है. अच्छा और फ्यूचर पेपर्स में भी ऑब्वियसली ये सारी चीजें पूछी जाएंगी. तो इन एनी केस ये सारी चीजें समझना तो जरूरी है. अच्छा ओरिजिनल करंट इज पॉजिटिव तो वी इंड्यूस भी क्या है पॉजिटिव. तो इसका मतलब ये है the induced current will be in the direction of the दोनों positive है तो इसका ये मतलब है in the direction of the original current and will be added to the original current to oppose its decrease according to which law. चले रुबा बेटा ये बताएं कि ये किस लॉ के अकॉर्डिंगली है, जल्दी से बताएं. अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ. वेरी गुड बेटा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ. ठीक अब ये कहानी हो गई यहां तक. अब एक एग्जांपल उसके बाद ट्रांसफार्मर. एक हमने एग्जांपल करनी है वो भी आपके पास पेपर का क्वेश्चन है, वो भी एक सिचुएशन है जो आती है, उसके बाद ट्रांसफार्मर. बात बताओ मेरा ग्राफिक थोड़ी सी बेसिक्स वीक है तो पूछना था. वो भी पूछ लूं या क्लास के एंड में पूछूं आपसे? क्लास के एंड में किस चीज के सवाल? मतलब ग्राफ के कुछ बेसिक मतलब चीजें. ठीक है वो बाद में अभी पहले मुझे ये खत्म करवाने दो ना. तुम्हें ये वाली चीज समझ आ रही है जो मैं अभी तुम्हें अभी करवा रहा हूं? यस सर बिल्कुल. बस ठीक है अभी आगे चलने दो. फिर एक एग्जांपल ये आखिरी एग्जांपल होगी हमारी इंडक्शन की, उसके बाद हम ट्रांसफार्मर कर रहे हैं बिकॉज हमने इनफ एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है. अब एक एग्जांपल है जी और ये एग्जांपल बड़ा सोच समझ के आपने करनी है. बच्चों आपके पास ऐसा हुआ है कि
यहाँ पे है जी आपके पास एक मैग्नेट, यहाँ पे आपके पास एक मैग्नेट, ये जो है मैग्नेट ये इसका नॉर्थ पोल है इस साइड पे। अच्छा ये जो मैग्नेट है ये इसका साउथ पोल है। और बेटा जी यहां पे आपने एक कॉयल रखी हुई है, ठीक है, और वो जो कॉयल है वो कॉयल इस तरह से। अच्छा अब ये जो कॉयल है इसके साथ आपने एक गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया बच्चों, ठीक है, ये बना दो बच्चों, बना दिया अमिना बेटा, बन गया ये। रोमा बेटा ड्राइंग कॉपी कर ली? जी सर कर लिया। द कॉयल हैज अ रेडियस ऑफ, इसमें मैं लेंज लॉ और फैराडेज लॉ दोनों को कवर करूंगा एक बार, उसके बाद हम करेंगे ट्रांसफार्मर। तो लिखें द कॉयल लेंज लॉ का काम क्या होता है, वो हमें इंड्यूस्ड करंट बताता है और उसको यूज करके हम देख सकते हैं कि अच्छा ये काम हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट इसको रोकेगा, तो इसको रोकेगा तो इस डायरेक्शन में होगा। यही हम थ्योरी हर जगह पे अप्लाई करते हैं। और अगर आप मेरी एग्जांपल्स रिवाइज कर लोगे तो कैम्ब्रिज वाले उसके बाहर से कुछ दे ही नहीं सकते, बिकॉज आई कवर्ड ऑल द केसेस। तो अगर जो मैंने केसेस करवाए उनको आप अच्छी तरह कर लो तो आपके पास पेपर के मैं सारे सवाल कवर कर चुका हूँ, और जो आपके एग्जाम में आगे आना है वो भी मैं कवर कर चुका हूँ। तो जी बेटा सर आप एएस में अभी कौन से चैप्टर करवा रहे हो? बेटा मैं एएस में एक क्लास में करवा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी क्लास में मैं करवा रहा हूँ मोमेंट। मोमेंट अच्छा सर, मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता, तो मैं कौन सी टाइम कौन सा है? 7:30 पे इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। ओके सर। अच्छा द कॉइल हैज a radius of, रुबाब बेटा ये सवाल मैं आपसे कराऊंगा। द कॉयल हैज अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड इट हैज, बच्चों मैं एक चीज आपको बता दूं, मेरे नोट्स थोड़े से ना लंबे लंबे हैं, लेकिन अगर आप इन नोट्स को, सिर्फ इन नोट्स को ही प्रिपेयर कर लो तो आपका कोई भी एग्जाम इन नोट्स के, जो मैं अकेडमी के ये वाले नोट्स लिखवा रहा हूँ ये बहुत डिटेल है आई नो दैट, और बहुत लेंथी भी है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये नोट्स प्रिपेयर कर लो परफेक्ट करके तो आपका कोई भी एग्जाम इन नोट्स के बाहर से नहीं आ सकता, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। आपका कोई भी मिड टर्म, कोई भी मॉक, कोई भी दुनिया का टीचर बनाए कैम्ब्रिज का इम्तिहान, वो इन नोट्स के बाहर से आ ही नहीं सकता, ये आप, मैं इसकी गारंटी लूंगा। तो आप बस इन नोट्स को सबसे पहले जबरदस्त प्रिपेयर करो, उसके बाद जब आप पास पेपर करोगे यू विल फाइंड देम इजी, बिकॉज हम सारा कुछ नोट्स के अंदर पहले ही लिख चुके हैं। The coil has a radius of 5 centimeter and it has 2000 tons of wire. ये हो गई पहली बात। The strength of magnetic field, is 5 milli tesla. क्वेश्चन का ए पार्ट, क्वेश्चन का ए पार्ट है बच्चों, ये कॉयल का एंड ए है और ये एंड बी है। क्वेश्चन का ए पार्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल मैग्नेटिक, what is the value of initial magnetic flux per ton and total initial magnetic flux? Rubab beta you have to answer. सवाल को समझें पहले तो जरा। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं ये जो कॉयल है इसका बताएं इनिशियल फ्लक्स पर टन कितना होगा और टोटल इनिशियल फ्लक्स कितना होगा। रुबाब बेटा आती है क्वेश्चन की समझ? थोड़ी थोड़ी सर। चलें इसका मैं मेथड आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें और देखें थीटा कितना है, ये पहला स्टेप होता है। तो हाँ जी महत, क्या होगा थीटा बेटा? थीटा अगर मैं एंगल विद प्लेन ले रहा हूं, देखो मेरी बात सुनो, 90 होगा ना सर?
मतलब थोड़ा सा और सोच लो, थोड़ा सा और सोच लो। ओके सर। देखें फॉर्मूला हम लिखते हैं फाई इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा। नियालिश बेटा आपने ये मैं किसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, फ्लक्स पर टर्न का या टोटल फ्लक्स का? नियालिश बेटा क्विकली, नियालिश बेटा ये फ्लक्स पर टर्न है या ये टोटल फ्लक्स है? देखिये मैंने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं लिखा हुआ, नियालिश बेटा मैंने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं लिखा हुआ, ये तो ये क्या होगा सर? जो फ्लक्स सिंपल फ्लक्स होते हैं। नहीं तो दो होते हैं, बात सुने, सिंपल फ्लक्स कुछ नहीं होता, ये फ्लक्स पर टर्न है या टोटल फ्लक्स है, ये कॉयल का टोटल फ्लक्स है या एक टर्न का फ्लक्स? ना बेटा ये पर टर्न फ्लक्स है, मैं पर टर्न है, मेरी बात पर टर्न क्यों है बेटा मैं बता देता हूँ ना, जो आप कॉइल के लिए फॉर्मूला लिखते हैं ना, पहला फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा। ये जो फाई होता है ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न, ठीक है? जब आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं एरिया ऑफ कॉइल के साथ, क्रॉस सेक्शन के साथ, और साइन ऑफ एंगल लेते हैं, तो ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न। हाँ अगर ये प्लेन हो या सरफेस हो तो ये टोटल फ्लक्स होता है, लेकिन कॉइल की बात हो रही है। और जो फाई टोटल होता है वो फिर होता है नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड विद फ्लक्स पर टर्न। तो फाई टोटल फिर हो जाता है एन टाइम्स बी ए साइन थीटा। नियालिश बेटा आपको समझ आ गई या कोई कंफ्यूजन है अभी? ठीक है सर, समझ आ गई है। ये याद भी रखना है, देखो ये जो होता है ना फॉर्मूला बी ए साइन थीटा, जब ये कॉयल पे लगाते हैं तो ये एक टर्न के लिए होता है, ये फ्लक्स पर टर्न होता है। जब टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो इसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर आप साइन यूज कर रहे हैं तो आप एंगल प्लेन के साथ ले रहे हैं, अगर आप साइन यूज कर रहे हैं तो यू आर यूजिंग एंगल विद द प्लेन, ठीक है? तो रुबाब बेटा मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं ड्रॉ करता हूं, देखे ना, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बनाऊंगा तो कहां पे बनेगा बेटा? ये नहीं बनेगा। तो बेटा आप मुझे बताएं रुबाब बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका कॉइल के, वो मैं कॉपी लेने गई थी, मुझे फिर से रिपीट कर दें प्लीज। बेटा वही सवाल है, कोई नई चीज अभी नहीं है, देखें मेरी बात सुने। अगर फर्ज करें मैं इसका बनाता हूं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होता है? नॉर्थ टू साउथ ना, ठीक है? अब yes, ये इसका बना दिया मैग्नेटिक फील्ड जो के होगा नॉर्थ टू साउथ, इसका मैंने बना दिया मैग्नेटिक फील्ड जो किस तरफ होगा? नॉर्थ टू साउथ होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स के साथ किस एंगल पे आ रहा है बेटा जी बताएं? जीरो डिग्री, यस और नो? हाउ सर? पैरेलल, मेरी एक बात, मुझे एक बात बताएं, बात सुने, मुझे बताएं ये दो वेक्टर्स हैं इनका क्या एंगल होगा? इनका एंगल बताएं बेटा रुबाब बेटा, दो वेक्टर क्या एंगल होगा? जीरो डिग्री, ठीक है? जीरो बेटा, मैं भी ये कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुने, अगर फर्ज करें आप कॉयल के टर्न्स देखें, ये टर्न्स हैं, ठीक है? अब इन टर्न्स के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड पड़ रहा है, फर्ज करें जी उधर से मैग्नेटिक फील्ड यू पड़ रहे हैं, तो वो टर्न्स के पैरेलल, तो जब वो टर्न्स के पैरेलल एंगल कितना बनेगा? जीरो नहीं बनेगा? जीरो, यस सर। या आप ये बताएं, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स को कट कर रहे हैं? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स को कट कर रहे हैं? कट करने का मतलब होता है यू, कट तो नहीं कर रहा ना? नहीं। हाँ, तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स के ऊपर उनको कट नहीं करता, उनपे किसी एंगल पे नहीं पड़ता, तो फ्लक्स जीरो होता है। आसान जबान में थीटा यहाँ पे जीरो डिग्रीज है। न्यालिश बेटा आपको समझ आ गई कि थीटा जीरो डिग्रीज क्यों है? जी सर। तो अब अगर मैं इसको जीरो पुट कर दूं, बी इंटू ए इंटू साइन ऑफ जीरो, तो बेटा साइन ऑफ जीरो तो होता ही जीरो है, तो जीरो वेबर। अब देखें अगर एक टर्न का जीरो है तो ओवरऑल भी क्या हो जाएगा? तो अगर आप मल्टीप्लाई भी कर दें एन को जीरो के साथ, तो वो तो जीरो ही रहेगा। तो बेटा जो इनिशियल फ्लक्स है वो जीरो वेबर है। तो बच्चों क्लियर? महद क्लियर? सर बस एक बार बताएं, आपने बोला है कि जो अगर क्वाइल के साथ होगा तो जो ये वाला है फाई, ये पर टर्न है ना, और अगर खाली प्लेन होगा तो हमारा टोटल होगा। टोटल होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने टोटल क्यों लिखा? यहाँ पे हमने जब टोटल लिखा तो फिर एन से मल्टीप्लाई भी तो किया। हाँ मगर यहाँ पे पर क्वाइल नहीं है, पर टर्न तो कर दिया, ठीक है पर टर्न हो गया कैलकुलेट। तो सवाल में तो टोटल भी पूछा हुआ है ना, तो जब टोटल पूछेंगे फिर हम, ठीक है? सॉरी समझ आ गया सर। अब हम उसको वेक्टर एरिया के साथ लेंगे एंगल को।
नहीं क्यों लेंगे वेक्टर एरिया के साथ, बस हो गया ना जीरो, क्यों वेक्टर एरिया के साथ लेंगे? बेटा आप बात सुने, आप वेक्टर एरिया प्लेन में से जिसके साथ भी लेते हैं आप उसी के साथ लेते रहे ना, आप कन्वेंशन चेंज क्यों करते हैं? मैं तो कहता हूं आप प्लेन के साथ लें, वेक्टर एरिया के साथ सोचना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो आप साइन वाला फार्मूला यूज करें, बस हमने फार्मूला फिक्स कर दिया, अब हम चेंज नहीं करने लगे, क्लियर? जी सर। अच्छा अब आप लिखें क्वेश्चन का बी पार्ट, लिखें द कॉइल इज रोटेटेड, द कॉइल, ये इस कॉइल का ना ये पिवट है जिस पे रोटेट करेंगे, ठीक है? इस पिवट पे हम कॉइल को करते हैं रोटेट, ये कॉइल का पिवट बनाते हैं रोटेट करते हुए, मार ठीक है? पिवट नजर आ रहा है? यस सर। ये अब हम जनरेटर का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं महत, ये हम कर रहे हैं जनरेटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी? तो द कॉइल इज रोटेटेड, द कॉइल इज रोटेटेड anti-clockwise, the coil is rotated anti-clockwise through through 45 degrees, the coil is rotated anti-clockwise through 45 degrees. तो आपने बताना इसमें ये है, रुबाब बेटा अभी तक confused तो नहीं हुई ना? नहीं सर। द कॉइल इज रोटेटेड एंटी क्लॉक वाइज थ्रू 45 डिग्रीज, फाइंड फाइनल वैल्यू ऑफ, फाइंड फाइनल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा अगर एग्जामिनर पर टर्न की बात नहीं कर रहा और वो कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करो, तो महद मुझे ये बताओ कि वो ओवरऑल की बात कर रहा है या पर टर्न की बात कर रहा है? फर्स्ट रो बी पार्ट, ओवरऑल की बात कर रहा है। हाँ ये बात याद रखनी है, जब तक एग्जामिनर पर टर्न नहीं कहेगा तो आपने ओवरऑल कैलकुलेट करना है, लेकिन आप प्रोसीड इसी तरह किया करोगे, पर टर्न फाइंड करके फिर टोटल कर दिया करो, तो लेकिन इसमें आंसर में आप टोटल करेंगे। अच्छा अब 45 पे कॉइल रोटेट हो गई तो एंगल कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। बेसिकली जो है मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा जी उसी जगह पे है ना, मैग्नेट तो रोटेट नहीं किया, कॉइल रोटेट किया है ना, और अपने पिवट पे रोटेट किया है, और कॉइल जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो ए नीचे जाएगा बी ऊपर जाएगा, आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे होगी, ये ए ऐसे जाएगा ना, क्या ख्याल है बेटा जी सोलिया? बेटा ऐसे ही होगा जी सर बिल्कुल। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जब होगी तो ए नीचे जाएगा और बी जाएगा ऊपर, और कॉइल की जो फाइनल पोजिशन बनेगी वो आ जाएगी, कॉइल यहाँ पे आ जाएगी, ये हमने कॉइल को रोटेट कर दिया थ्रू 45 डिग्रीज, और इस रोटेशन के बाद जो कॉइल के टर्न्स हैं उनका जो एंगल बनेगा वो भी तो 45 ही बनेगा, जहरी सी बात है, ये जो इसके टर्न्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस एंगल पे आ जाएंगे? 45 पे आ जाएंगे। बेटा ये कॉइल जब 45 पे रोटेट करेगी तो इसके जो टर्न्स हैं ये वाले, इनका मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बन जाएगा नो इट वुड बी 45 डिग्रीज। बात क्लियर यहां तक? यस सर। सर एवरी टर्न मतलब हर टर्न का एंगल बनेगा 45 के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सारे टर्न पैरेलल नहीं है, अगर सारे टर्न पैरेलल हैं तो सब टर्न्स का वर्टिकल के साथ एंगल सेम नहीं होगा। बात मुझे ये बताओ। यस सर वो मैंने ड्रॉ गलत किया था इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज। मेरी बात सुनो, इन सब लाइंस का एंगल सेम नहीं होगा? यस सर सेम होगा। तो जो टर्न्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं ना, तो उनका एंगल सेम बनता है। तो अब थीटा हो गया 45 डिग्रीज। न्यालिश बेटा यहां तक कोई कंफ्यूजन है या क्लियर? सर क्लियर है। अच्छा अब जो फाइनल फ्लक्स बनेगा वो कितना होगा? तो लिखे फाइव टू, लिख दे बेशक उसे, पहले वाला फाइव वन था वो था ही जीरो, फाइव टू इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा। यालिश बेटा इससे मुझे फ्लक्स पर टर्न मिलेगा या ओवरऑल मिलेगा? पर टर्न। हाँ इससे मुझे पर टर्न मिलेगा। अब महत वैल्यूज बताओ यार, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना था महत? सर वो था जीरो। ना करो यार, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताओ। सॉरी फाइव मिली टेस्ला। फाइव इंटू टेन पावर माइनस थ्री। महत रेडियस बताओ
सर रेडियस था 5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये मैंने पाई आर स्क्वायर कर दिया क्योंकि कॉइल जो है उसका क्रॉस सेक्शन वी अज्यूम दैट टू बी सर्कुलर. कॉइल का क्रॉस सेक्शन जो है वो हम सर्कुलर ले रहे हैं, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया, एरिया हो गया उसका, ये क्रॉस सेक्शन हो गया उसका. ठीक है जी. तो फातिमा बेटा इसमें है कोई कंफ्यूजन या क्लियर यहां तक? सर क्लियर है. साइन ऑफ 45. महद यार इसका आंसर बताओ जल्दी से. मार्क 52 का आंसर बताओ. 2.7 × 10⁻⁵ और ये हो गया आपके पास वेपर, लेकिन हमने तो टोटल भी फाइंड करना है ना. तो बेटा ये टोटल कितना हो जाएगा, फिर टोटल जब करेंगे तो ये हो जाएगा फिर 52 टोटल इज इक्वल टू एन टाइम्स बी ए साइन ऑफ थीटा. टर्न्स बताओ महत. सर 2000. 2000 टाइम्स टर्न्स है जी 2000, और बी ए साइन थीटा जो है वो है 2.7 × 10⁻⁵ और ये हो गया हमारे पास क्या वेपर. माद इसको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है. 0.054 और ये क्या हो गया वेपर. डन. क्वेश्चन का सी पार्ट लिखो जल्दी से. द रोटेशन टेक्स 1 मिली सेकेंड. वॉट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ. जल्दी से करो सी पार्ट. द रोटेशन. अच्छा अगर एग्जामिनर कहेगा ना वोल्ट्स पर टर्न तो हम एक टर्न पे अप्लाई करेंगे, और अगर वो कहेगा ओवरऑल तो फिर हम ओवरऑल फाइंड करेंगे. द रोटेशन टेक्स 1 मिली सेकेंड. फाइंड एवरेज इंड्यूस्ड EMF. महद एग्जामिनर किसकी बात कर रहे हैं, एक टर्न की EMF की या ओवरऑल की बात कर रहे हैं, क्या ख्याल है, क्या समझ आ रही है इस स्टेटमेंट से? ओवरऑल की बात कर रहे हैं एग्जामिनर, हमसे ओवरऑल की बात कर रहे हैं. जो उसके पूछने का स्टाइल है वो क्लियरली बता रहे हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं, वो ओवरऑल की बात कर रहे हैं. ठीक है जी. आपने ही बताया था ना लास्ट क्लास में कि एवरेज फॉर्मूला जो होता है टोटल के लिए होता है. हाँ नहीं वो अगर वो कहता ना अगर वोल्ट्स पर टर्न तो फिर हम टर्न का फ्लक्स वो सारा कुछ यूज करते. तो अब जो इसका ईएमएफ इंड्यूस बनेगा वो होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, हाँ जी महद ईएमएफ इंड्यूस्ड का क्या फॉर्मूला बना, डेल्टा फाई नेगेटिव ओवर डेल्टा टी. तो ये बन जाएगा नेगेटिव, महद क्या बनेगा, फाई टू माइनस फाई वन ओवर डेल्टा टी. वैल्यूज पुट कर देते हैं. नेगेटिव बेटा फाई टू जो है वो 0.054 है, फाई वन है 0 और 1 मिली सेकेंड 1 × 10⁻³. तो इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा महत. ठीक है ना, क्योंकि फ्लक्स बढ़ा है, जब फ्लक्स बढ़ेगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो उसका रेट पॉजिटिव होगा तो वोल्ट नेगेटिव बनेंगे. तो बेटा इसका जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी नेगेटिव 0.1 सेकेंड. महत इसका आंसर बताओ यार. 54 वोल्ट्स. अच्छा जनरेटर है, सही वोल्ट मिल गए. क्वेश्चन का डी पार्ट, दो पार्ट बस और हैं, उसके बाद आपका जो है मैग्नेटिज्म वो ऑफिशियली खत्म, और हो सकता है अगला चैप्टर मैं आज ही शुरू कर दूं. सर आपने जो मेरे से पूछा था उसका जो हमने आंसर किया था वो आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज, मैं लिख रहा था. मुझे ये नहीं याद कि मैंने तुमसे पूछा क्या था. आपने मेरे से पूछा था कि एवरेज इंड्यूस से क्या मतलब है. हाँ तो मैंने ये पूछा था कि मुझे ये बताओ कि वो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, वोल्ट्स पर टर्न या ओवरऑल वोल्ट्स. तो बेटा वो पर टर्न नहीं कहेगा, जब तक वो पर टर्न नहीं कहेगा इट्स ओवरऑल, इट्स अंडरस्टूड. अब ये आ रहा है जी लेंज लॉ वाला सवाल जो कि आपको ट्रबल करेगा, और ये 2-3 नंबर आप लूज कर सकते हैं इसमें, ये आपको अच्छा आना चाहिए. डी पार्ट आप लिखें कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, या बल्कि यू लिख लो ना, इन विच डायरेक्शन द गैल्वेनोमीटर पॉइंटर विल डिफ्लेक्ट. यानी कि आपसे करंट की डायरेक्शन पूछ रहे हैं. ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द कॉयल
ड्यूरिंग द रोटेशन, अब ये मैं अच्छी तरह समझाऊंगा और दोबारा ये फिर लेंस लॉ में कंफ्यूज नहीं होना. ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द कॉइल इन व्हाट डायरेक्शन. अच्छा बच्चों मेरी एक बात याद रखना, हो सकता है अभी आप सोचो कि यार लेंस लॉ का पार्ट फर्ज करें अगर चार नंबर का आता है तो हम बाकी 96 अटेम्प्ट कर लेंगे, इतना मुश्किल है. तो मैं आपको बताता हूं, एक तो ये होगा कि आपका ए टू सारा ही मुश्किल है. ठीक है, चले आप ए टू में से जैसे कैसे करके निकल गए, यूनिवर्सिटी पहुंच गए. वहां पे फिर फर्ज करें अगर फिजिक्स आ गया, मेरा जो छोटा भाई है वो कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ठीक है, तो मेरे साथ वो एक बार बैठा था, मुझे वो बता रहे, वो कहता है कि मैं ना, वो फिजिक्स में फेल है भाई जान, सुन ना रहा हूं, मेरे साथ लड़ाई करेगा. फिजिक्स में जी उसके मतलब फेल हुआ है, फिर बड़ी मुश्किल से उसने ना मतलब कह लो कि ई ग्रेड के साथ बड़ी मुश्किल से उसने पास किया फिजिक्स. मतलब फिजिक्स उसका वो था, ड्रावना ख्वाब था, फिजिक्स उसके लिए बड़ा मुश्किल काम था. तो आपका वही ना, तो नहीं उसके लिए खास तौर पे यार, उसके ना वो ई ग्रेड उसने मर मर के लिया दिन रात पढ़ाई करके. मैं उसे समझा समझा के था गया, वो ना, वो फिजिक्स कहता है मुझसे नहीं होती, छोड़ो. अच्छा अब उसने मुझे ये बात बताई है कि उसके जो सेमिस्टर थे पहले चार, उसमें फिजिक्स ही फिजिक्स था. ठीक है, तो मैंने उसे कहा तुम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करो, फिजिक्स किस लिए. उसने कहा कि फिजिक्स हमें पढ़ाते हैं. तो उसने इतनी ज्यादा उसकी फिजिक्स थी कि वो फिजिक्स से फिर से तंग आ गया. तो बेटा ये बात याद रखना, आप कोई भी डिग्री करेंगे ना आगे, अगर वो बिजनेस की डिग्री नहीं है, इट्स रिलेटेड टू मेडिकल इंजीनियरिंग और एनीथिंग रिलेटेड टू साइंस, तो आपकी वो डिग्री जो है उसमें मैथ्स और फिजिक्स का मेजर पोर्शन होगा, इट वुड बी 60-70%. तो आपने अगर फर्ज करें जी, आप कहते हैं ए लेवल करके लेंस लॉ को स्किप मार के चले जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में जी आपके अब्बा अम्मा ने करोड़ों में फीसें दी होंगी, और उस वक्त पता चलेगा आपको लेंस लॉ नहीं आता था, आपने सेमिस्टर सेमिस्टर फेल कर दिए, आप ड्रॉप आउट हो गए, तो फिर सोचो क्या हालात होंगे. तो ये बात है, जिसने बीबीए वगैरह करना है उसकी तो फिट है, उसके लिए फिट है, उसको गोली मारो. अच्छा तो तुम अभी क्यों फिर इतनी फिजिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हो, तुम तो फिर बस गोली कराओ फिजिक्स को. अच्छा देखो, ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द कॉइल इन व्हाट डायरेक्शन, इन व्हाट डायरेक्शन द इंड्यूस्ड करंट विल बी, इन व्हाट डायरेक्शन द इंड्यूस्ड करंट विल बी. तो हमने ये समझना है कि जब कॉइल को रोटेट कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड करंट किस तरफ होगा, और ये मैं बड़ी तसल्ली से समझाऊंगा क्योंकि ये इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म है, फिर अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं. अच्छा देखें, ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द कॉइल आपने ये बताना है कि इंड्यूस्ड करंट किस तरफ होगा. कौन सा बच्चा मुझे हेल्प करेगा, रियान मैं तुम्हें अब तंग करूंगा, रियान असमत, रियान मुझे ये बताओ कॉइल की रोटेशन किस तरफ है. एंटी क्लॉकवाइज. जबरदस्त. लेंस लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, बोस करेगा. बेटा जब भी एग्जामिनर आपसे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पूछेगा तो आपने लेंस लॉ अप्लाई करना है. ठीक है, तो आपका सीक्वेंस क्या होगा सोचने का, जिस तरह हम रियान और मैं मिलके सोच रहे हैं. देखें, हमने सबसे पहले देखा कि कॉइल की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ करंट का फ्लो इस तरह होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रुकनी चाहिए. तो भाई रियान ये बताओ, ये थी आपके पास कॉइल, ठीक है, इसका एक एंड ए है और एक बी है जो कि हमें सामने नजर आ रहे हैं. इसका एक एंड ए था, एक बी था, और ये थी कॉइल. और ये सवाल मैंने इस तरह का बनाया जो मेरे लिए भी थोड़ा सा ट्रबल्ड होगा, मुझे भी सोचना पड़ेगा, सो दैट हम मिलके सोचें. पहले वाले सारे सवाल मैं प्रीवियसली करवा चुका था, ये सवाल मेरे लिए भी थोड़ा सा लेंस लॉ अप्लाई करना, मुझे भी सोचना पड़ेगा, सो दैट हम सब मिलके सोचें, तो एक नई सिचुएशन में क्या आइडिया बनता है वो भी देखें. तो रियान ये बताओ कि अगर फर्ज करो इसकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है. पहले मैंने जितने सवाल करवाए वो मैं पहले प्रीवियस क्लासेस में 2-3-4 बार करा चुका हूं, ये सवाल मैं भी न्यू सवाल करा रहा हूं. अच्छा अब रियान मुझे ये बताओ, अगर इसका मोशन है एंटी क्लॉकवाइज, मैं बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहता हूं कि नई सिचुएशन में बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं. रियान अब मुझे ये बताओ, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो जो लेंस लॉ है वो क्या कहता है, इस पे फोर्स का मोमेंट क्लॉकवाइज होना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज, व्हाट डू यू से. क्लॉकवाइज. तो रुबाब बेटा, चलें रुबाब बेटा, अब आपने बताया तो अगले आंसर भी आप करेंगे. बी पे मुझे बताओ. नहीं बेटा, अब इसी तरह होता है ना, ये तो रूल है, ये तो क्वेज का रूल होता है ना. अब आप मुझे ये बताएं,
बी पे जो फोर्स लगेगी रुबाब बेटा वो नीचे की तरफ होगी या ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ। हाँ बेटा आप अब आपको हो गई है। अब रियान वापस आए, रियान बी पे बताओ फोर्स नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? डाउनवर्ड्स। वेरी गुड रियान, तो बी पे फोर्स। बेटा रुबाब देखें, उसने मोशन को रोकना है ना, उसने उसको और तेज तो नहीं करना, ठीक है? उसने मोशन को रोकना है और तेज नहीं करना, वो रोकेगी उसको। अच्छा रुबाब बेटा समझ आ गई? यस सर। ठीक है वो रोकेगी। अच्छा रुबाब बेटा फिर इसी अंडरस्टैंडिंग को यूज करके बताओ ए पे फोर्स किस तरफ होगी, जल्दी से बताओ। ऊपर होगी। जबरदस्त बेटा, वेरी गुड रियान। अब बताओ इस हिसाब से अगर सोचा जाए, मतलब ये है कि जो ए वाली साइड है उस पे फोर्स होनी चाहिए ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ फोर्स होने के लिए रुबाब बेटा थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के बताएं, ए जो है उसको फिर नॉर्थ होना चाहिए या साउथ? फोर्सेस को देख के बताओ। फिर से क्वेश्चन रिपीट करें बेटा। जो फोर्सेस बनी हुई है, फोर्सेस हमने फोर्सेस बना ली, आपको ये समझ आ गई कि फोर्सेस कैसे बनाई है? यस सर ये समझ आ गई है। हमने कहा क्योंकि साउथ होगा। हाँ हमने कहा क्योंकि कॉयल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो फोर्स उसके ऑपोजिट होगी। ज्ञानिश बेटा आपको समझ आ गई इसकी? जी सर तकरीबन आ रही है। देखे ना बात सुने, लेंज लॉ ये कहता है कि जिस भी वजह से बिजली बन रही है इंड्यूस्ड करंट उस वजह को रोकेगा। अब हम बैकवर्ड थिंक करें, बैकवर्ड कैसे थिंक करें? हमने कहा चलो जी कॉयल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो मोमेंट जनरेट करेगी इस रोटेशन को अपोज करने के लिए। तो उस क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए हमने कहा जी बी ऊपर जा रहे तो उस पर फोर्स नीचे लगनी चाहिए और ए जो है वो नीचे जा रहे तो उस पर फोर्स ऊपर लगनी चाहिए। सही हो गया। अब रियान ये बताओ कि जो ए वाला एंड है, अब सोचें इस पे फोर्स चाहिए ऊपर की तरफ और इस पे फोर्स चाहिए नीचे की तरफ। रुबाब बेटा ये बताएं अगर ए पे फोर्स ऊपर की तरफ चाहिए तो ए को साउथ होना है या नॉर्थ होना है, जल्दी से बताएं। नॉर्थ सर। साउथ। बेटा ये वाला पार्ट तो गलत ना करो, साउथ। और बी वाला पार्ट, बी क्या होगा? बी क्या होगा? फोर्स नीचे की तरफ चाहिए, ये नॉर्थ होगा। बेटा यूं सोचे ना, नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करेगा और साउथ को नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, यूं सोचे ना बेटा। देखें सिंपल वे है सोचने का, अगर फोर्स ऊपर चाहिए तो ए को नॉर्थ अट्रैक्ट करे और बी को साउथ अट्रैक्ट करे, यूं सोच सकते हैं बेटा? यस सर। हाँ तो यूं सोचे ना कि देखें फोर्स की डायरेक्शन अगर डिसाइड हो गई, अब इन पे हमने फोर्सेस बना दी तो अब साउथ नॉर्थ भी डिसाइड हो गया, अब करंट तो वैसे ही मिल गया। तो भाई एक मिनट यार, महाद रुक तो जाओ, महाद इसका करंट बताओ जल्दी से। करंट डायरेक्शन। हाँ हाँ ये मैं जो कर रहा हूँ ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन बताओ। रियान तुम बताओ करंट की डायरेक्शन। ये देखो ना ये आपने क्या करना है, अपना थंब नॉर्थ की डायरेक्शन में रखना है बेटा। रूल ये होता है करंट, जब कॉयल का करंट देखते हैं ना तो राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करते हैं। राइट हैंड ग्रिप रूल होता है कि आप जो है ना अपना ये जो है थंब इसको नॉर्थ की डायरेक्शन में रखो तो आपके जो कल्स ऑफ फिंगर्स हैं वो आपको करंट बताएंगे। तो बेटा जो करंट है ना वो फ्रंट वाले टर्न्स में नीचे की तरफ होगा। तो ये जो करंट है अगर इसको आप कंटिन्यू करते हैं गैल्वेनोमीटर में से तो ये यूं जाएगा। तो जब कॉयल की होगी ये रोटेशन, अच्छा मैं एक बात और बता दूं, इस रोटेशन को जब हम कंटिन्यू करेंगे तो ये करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स भी करेगा, ठीक है? और मैंने ये आखिरी पार्ट वाली जो बात की थी वो इसलिए कही थी कि आप लोग इंटरेस्ट लेके करें, असल में एक पार्ट और भी था, ये ई पार्ट असल में आखिरी पार्ट है, ये ई पार्ट आप एज अ होमवर्क करेंगे। ज्ञानिश बेटा आपको डी पार्ट की अच्छी सी समझ आ गई या कंफ्यूजन है कोई? जी सर अब आ गई है समझ। जबरदस्त। और रोमा बेटा आपको आ गई समझ? जी सर आ गई है। अच्छा मैं क्विकली एक बार बताता हूँ कि हुआ क्या है। डी पार्ट में ये था कि एग्जामिनर ने कहा कि भैया ये जो कॉयल है या गिवन है आपको, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, इस रोटेशन को आप देखते हुए बताएं कि करंट किस साइड पे होगा। हमने कहा भाई बात है सीधी, अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में तो इंड्यूस्ड करंट जो लेंज लॉ है वो ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट इस रोटेशन को रोकेगा। अगर वो इस रोटेशन को रोकेगा तो उसका जो मोमेंट है इट शुड हैव बीन क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए जो फोर्सेस होंगी वो हमने ए और बी पे बना दी। फिर उन फोर्सेस को देख के हमने देखा कि ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है तो लेफ्ट साइड पे साउथ होना चाहिए, राइट साइड पे नॉर्थ होना चाहिए।
फिर हमने वो साउथ नॉर्थ जब मार्क कर लिया तो करंट तो वैसे ही पता चल गया। महत क्लियर? यस सर। अच्छा महत, अब होमवर्क क्वेश्चन में आपको बताता हूं क्या है। द गिवन पोजिशन ऑफ द कॉयल इज एट टाइम 0 सेकेंड। द गिवन पोजिशन ऑफ द कॉयल इज एट टाइम 0 सेकेंड। It is rotated anti-clockwise. It is rotated anti-clockwise with a period of capital T. लेबल नहीं करना, सिर्फ शेप बनानी है। मैग्नेटिक फ्लक्स वैल्यूज लेबल नहीं करनी। मैग्नेटिक फ्लक्स इन वेबर्स फॉर द कॉइल अगेंस्ट टाइम एंड यू हैव टू प्लॉट दिस ग्राफ फॉर 3 टाइम पीरियड्स। ठीक है महत, कॉइल को रोटेट कर रहे हैं ना और पीरियड क्या रखा हुआ है टी। अब 45 वाली कहानी नहीं, अब कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहे हैं, अब जनरेटर बन गया। ठीक है महत, समझ आ गई बात? यस सर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका ग्राफ बनाना है और टाइम 0 सेकंड क्या होगा गिवन पोजीशन ऑफ द कॉइल। रियान अजमत आपको समझ आ गई इसकी? यस सर। रुबाब बेटा आपको? यस सर। आपको ये तो समझ आ गई ना कि शुरू में जो हमने कैलकुलेट किया था फ्लक्स उस वक्त क्या था, 0 था, फिर रोटेशन के साथ फ्लक्स बनना शुरू हो गया। तो अब आपकी मर्जी, आप पॉजिटिव में जाएं या नेगेटिव में जाएं, फ्लक्स पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, वो सारी कहानी हो जाएगी। अब फ्लक्स का ग्राफ जब आप बना लेंगे उसके बाद जो आपने अगला ग्राफ बना के दिखाना है इस जनरेटर के लिए वो है जी वी इंड्यूस्ड का ग्राफ। और देखो ये जो हमने रियान, अब ये बात समझो, जो हमने करंट की डायरेक्शन फाइंड की है, जरा सोचो जब कॉयल 180 पे रोटेट कर जाएगी फिर उसकी जो फर्दर रोटेशन होगी उसमें करंट के रिवर्स होने के भी चांसेस हैं। रियान मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। क्योंकि जो फोर्सेस हैं सब कुछ है वो रिवर्स होगा फिर, तो 180 पे 90 पे कहीं ना कहीं करंट रिवर्स होना। खैर बी इंड्यूस्ड आपको तो एक गिवन सिचुएशन में करना होता है ना। देखें हमने गिवन सिचुएशन में करंट फाइंड कर लिया, फिर जब दोबारा वो किसी जगह पे कहेंगे हम फिर से फाइंड कर लेंगे। रियान क्या कहते हो, जाएगा ना? जी जी। जो हमने अभी मेथड यूज किया वो तो हर वक्त हम यूज कर सकते हैं। तो वी इंड्यूस जो है, अब लेंस लॉ की अंडरस्टैंडिंग रियान आपको अच्छी सी हो गई है? जी सर। और लेंस लॉ की एप्लीकेशन समझ आ गई है कि इसकी मदद से हम करंट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं और यही एग्जामिनर आपको सवाल देगा। तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम के साथ ग्राफ बनाओ और इंड्यूस्ड वोल्टेज का टाइम के साथ ग्राफ बनाओ, और अगला चैप्टर जो हम कर रहे हैं वो मुझे आप ये बताओ, Should we go with the difficult one or the easy one? Rehan, what do you say? Difficult one or easy one? I say difficult one. Because later on, आपको जो मुश्किल chapters हैं वो बहुत ज़्यादा trouble करेंगे. Rehan. जी sir, सही कह रहे हैं. मैं अगर कहूँ तो मैं अगर A1 का syllabus पढ़ा रहा हूँ बच्चों को और मैं sincerely पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो पहला chapter कराऊंगा वो होगा waves, जो मैं दूसरा chapter कराऊंगा वो होगा electricity, और जो मैं तीसरा topic कराऊंगा वो kinematics और dynamics होगा. Being honest, और A2 में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पहला टॉपिक कराऊंगा मैग्नेटिज्म, इसके बाद या मैं कराऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या थर्मल, इन तीनों में से मैं कोई एक कराऊंगा, और अभी मैं आपको अगला टॉपिक फिर कराने लगा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। और बच्चों A1 में मैंने बच्चों को ये कहा था कि अप्रैल में बच्चों को ट्रबल हुआ करेगी वेव्स इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स DC सर्किट्स स्पेसिफिकली, सुपरपोजिशन स्पेसिफिकली, सुपरपोजिशन DC सर्किट्स और डायनामिक्स काइनेमेटिक्स में। A2 में अगर बच्चों को ट्रबल होगी तो होगी इंडक्शन में, जो हमने अभी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई टुक टू मच टाइम बिकॉज आई नो दैट कि अगर इसका 15 नंबर का सवाल आ गया तो 90% बच्चों से वो नहीं होता, फॉर द रीजन कि दे हैव वेरी वीक कॉन्सेप्ट्स इन दैट। तो अगर इसका 15 नंबर का सवाल आ जाए तो 90% बच्चे तो गए वैसे ही, और वो वाला सवाल जो बाकी बच्चों से ना हो अगर आप कर लें
तो वो आपको बहुत ज्यादा एज देता है। इसी तरह जो टॉपिक अप्रैल में जाके आपको फंसने हैं या एग्जाम में आपको ट्रबल करेंगे, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नंबर 1 पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर 2 पे है, कम्युनिकेशन नंबर 3 पे है। ये तीन टॉपिक्स हैं, ये हर बच्चे को अप्रैल में पक्के फंसते होते हैं। तो इसके बाद हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके बाद हम करेंगे टेली कम्युनिकेशन। ये A2 के वो वाले टॉपिक हैं जिस तरह A1 में वेव्स इलेक्ट्रिसिटी हुआ करते थे। तो अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। चलो बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज। सर। हाँ बेटा बताइए। मैंने कॉम्पोजिट देना, इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैंने पहले पेपर नहीं दिया AAS का, क्योंकि देना था मैंने, मगर वो कोविड की वजह से मैं नहीं दे पाई। कोई बात नहीं। तो मैंने, मुझे इलेक्ट्रिसिटी जब मैं पहले पढ़ रही थी, इलेक्ट्रिसिटी और ये वेव्स के दोनों चैप्टर थोड़े से मुझे नहीं समझ आते, क्योंकि मैं उनके आजकल पास पेपर्स आपसे एक वर्ड में डिसएग्री करूंगा। ये जो थोड़ा सा है इसको हटा दें, बहुत ज्यादा सा अगर कह दें तो आई विल एग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा, क्योंकि मैं जब उसके क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगती हूँ ना पास पेपर के, फिर मुझे मतलब वो देखना पड़ता है, सॉल्यूशंस देखने पड़ते हैं। देखिए मैं समझ गया आपकी पूरी बात। देखें, पता है बात क्या है, नोट्स पढ़ना तो अंग्रेजी है ना, वो बुक पढ़ना, नोट्स पढ़ना पूरी बात है। असल बात तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एज अ टीचर भी नोट्स लिखवा देता हूँ जिससे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते, आई एम वेस्टिंग योर टाइम। तो असल बात क्वेश्चन करना है, मतलब नोट्स इतने रेलिवेंट हूँ कि आपके क्वेश्चन हो सके। मैं आपकी पूरी बात समझ गया हूँ। आपको A1 में हेल्प चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी में, वेव्स में, कैनेमेटिक्स में, डायनामिक्स में, जितनी मेरी समझ है। तो इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स में स्पेसिफिकली, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि आप, अच्छा आप कौन कौन से सब्जेक्ट कर रही है ये मुझे बताएं जरा। मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिर आपका अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम का भी तो मसला होगा ना, क्योंकि आप और सब्जेक्ट्स की भी तो अकेडमीज ले रही होंगी। वो मेरे दोपहर के टाइम पे है और शाम में मेरा, मैंने अभी सिर्फ दो कॉम्पोजिट देने बायोलॉजी के और फिजिक्स के, और अक्टूबर नवंबर में मैंने केमिस्ट्री का कॉम्पोजिट देने, क्योंकि अभी मैं फिजिक्स और बायोलॉजी पे फोकस कर रही हूँ। समझ गए। तो फिजिक्स की जो A1 की क्लासेस हैं, देखो मैं तो आपको कहूंगा कि मैक्सिमम सेशन आप मेरे साथ ले सकती हैं, यू शुड, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो टीचर समझा सकते हैं वो खुद से समझ नहीं आता अगर टीचर के पढ़ाए तो। अब बात ये, क्योंकि मैंने मतलब अब इसको वो खत्म करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा फिर से मैं पेपर दूं। नहीं, आपका फिर से, मैं एक चीज की आपको गारंटी कर सकता हूँ, इवन यू कैन ब्रिंग अ स्टैम्प पेपर, वी कैन साइन दैट, अगर आप पंक्चुअल और रेगुलर रहेंगे। मेरी एक बात याद रखें, अगर टीचर ऑनेस्टली पढ़ाए और टीचर की कैपेबिलिटी ठीक है, तो कोई भी बच्चा जो पंक्चुअल और रेगुलर हो और वो मुश्किल चीजें पढ़ने से ना डरता हो, वो ए ग्रेड भी कर सकता है। डी ई वाले बच्चे भी ए ग्रेड कर सकते हैं, इवन यू वाले बच्चों ने भी ए ग्रेड किया हुआ है, इट्स नॉट अ बिग डील। द ओनली थिंग इज दैट जब आप आसान पढ़ने के चक्कर में पढ़ते हैं, जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के टूवर्ड्स नहीं जाते, जब आप फॉर्मूले डेफिनेशन को रटना शुरू कर देते हैं, या जब आप बुक पे रिलाई करना शुरू कर देते हैं। देखें, जो असल चीज है, फिजिक्स का एग्जाम होता है अप्लाइड, ठीक है, तो अगर आप सही तरह की पढ़ाई करके एग्जाम में जाओ तो ए ग्रेड करना भी मुश्किल नहीं होता। आपने बस एक काम करना है, जब तक मैं आपको छुट्टी नहीं दूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूँ कि यू शुड टेक क्लासेस टिल 10 अप्रैल, ठीक है, तो आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा मेरा तो एग्जाम है। फर्ज करें अगर मैं आपको कहता हूँ कि एग्जाम के दिन तक यू शुड डू अगेन एंड अगेन रिविजन विद मी, ठीक है, तो आपने अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेना। अगर आप अपनी तरफ से डिसीजन नहीं लेती और मुझे फॉलो करती है, तो फिर मैं A grade के लिए आपके साथ स्टैम्प पेपर साइन कर सकता हूँ, कोई बैट लगानी है लगा लो। अच्छा ठीक है सर, मुझे पता है मैं करवा लूंगा। अच्छा बात सुने, अब मैं आपको प्लान ऑफ वर्क बताता हूँ। A1 में आपने क्या करना है, मेरी एक क्लास और ये 5:15 पे, एक क्लास और ये 7:30 पे। इफ यू आर अवेलेबल टेक बोथ ऑफ देम, इफ यू आर नॉट अवेलेबल टेक वन ऑफ देम। और हमारा इस साल का जो स्कीम ऑफ वर्क चल रहा है वो ये है कि हमने ये रखा हुआ है कि अगर एक बच्चा दो क्लासें भी लेता है तो वो फीस एक क्लास की देगा, ठीक है। अच्छा, तो दोनों मेरी 5:15 पे A2 की क्लास खत्म होती है बायोलॉजी की, और फिर उसके बाद मैं मतलब 45 मिनट्स के लिए फ्री होती हूँ, फिर आपकी क्लास होती है, और उसके बाद मैं फ्री होती हूँ। तो दोनों क्लासेस के लिए आप काम करो, मेरी बात सुनो, आप यूं करो 5:15 मेरे साथ शुरू करो और मेरी आखिरी क्लास होती है 8:15, टेक ऑल ऑफ देम। उसके बाद बेशक घर में फिजिक्स ना पढ़ो, ठीक है, बेशक उसके बाद घर में फिजिक्स ना पढ़ो। अच्छा, इस तरह करके आपको ना सारी चीजें बड़ी अच्छी हो जाएंगी, मुझे पता है। और एक और बात,
हमारा जब सिलेबस हो जाएगा ना, तो मैंने 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, या यूं समझ लें 1 अप्रैल से एक हफ्ता मैंने करवाना है A2 का फिजिक्स, और उसका मेरा स्कीम ऑफ वर्क ये है, जैसे हम अभी ले रहे हैं ना 2 घंटे की क्लास, मैंने 1 अप्रैल से डेली लेनी है 12-12 घंटे की क्लास, कुरान भी उसमें मैं बच्चों को कराऊंगा अपने साथ, सारे पास पेपर A to Z जितने भी पास पेपर हैं, वो ये होगा कि 5 साल के पेपर के सारे सवाल हम विद कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग मिल के करेंगे, तो वो वैसे भी जो डेफिशिएंसी होगी वो कवर हो जाएगी। आपने कम अज कम 15 अप्रैल तक अकेडमी की क्लासेस कंटिन्यू करनी है, ठीक है, उसके बाद आपने घर बैठ के पढ़ना है, और रेगुलर पंक्चुअल रहेंगी तो मसला ही नहीं है, बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप तो सिर्फ निकालने की बात कर रही हैं, आपका इंशाल्लाह ए ग्रेड भी आ जाएगा बेटा, हर बंदा जो है ना ग्रेड भी कर सकता है, सिर्फ सही तरह से पढ़ना होता है, ये कोई बात नहीं है। तो 5:15 से ऑनवर्ड्स आप सारी क्लासें ले लो, और आपकी जो फी होगी ना वो क्लास वाइज चार्ज होगी, जैसे आप A2 की 5वीं क्लास ले रही हैं तो वो फीस सिर्फ एक क्लास की रहेगी, क्योंकि इस बार कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वजह से बच्चों के सिलेबस का बहुत मसला चल रहा है, बल्कि हमने थोड़ा सा प्लान ये भी किया हुआ है कि अगर अप्रैल में कोई बच्चा है और उसने नहीं किया हुआ सिलेबस, तो उसके लिए हम एक वीक का भी एक क्रैश कोर्स लेंगे, जिसमें यू वाले बच्चे को भी ए पे इंशाल्लाह ले जाएंगे। तो इस बार हमने थोड़ा सा इमरजेंसी प्लान भी बनाया हुआ है, बच्चों को निकालना है इस बार रेवेन्यू से ज्यादा जो है ना बच्चों को निकालना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दुनिया में मसला चल रहा है। चलो बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज। बात सुने जी बेटा, बताएं सर, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रॉनिक्स सेम टॉपिक है? आई मीन सेम चैप्टर? नहीं, दे आर टू डिफरेंट टॉपिक्स सर। तो आप एसी करंट कब कराएंगे? वो तो काफी रिलेटेड है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। बिल्कुल नहीं है रिलेटेड, ठीक है, मैं बताता हूँ सर, पास पेपर्स में थोड़ा था ना देते हैं, लेकिन वो इस तरह मैं बताता हूँ, आप अगर कहेंगी लिंक तो मैं एग्री करूंगा, आप कहेंगी रिलेटेड तो मैं, आप कहेंगी कि इनके सवाल मिक्स होके आते हैं तो मैं एग्री करूंगा, आप कहेंगी कि इनके कॉन्सेप्ट जी सर वही मतलब था, मैं उससे एग्री कर लेता हूँ। तो एक काम कर, लेकिन एसी करंट बहुत आसान है ना, अगर आप मुझे कहें वो 3 दिन में हम कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इसके बाद फिर एसी करंट कर लेते हैं, नॉट अ बैड डील, ठीक है, उसके बाद फिर आपको जो बेहतर लगता है आप करा ले, वो बस ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। आपकी बात में है वजन, क्योंकि इनके सवाल मिक्स आते हैं, तो मैग्नेटिज्म के सवाल करने के लिए एसी थोड़ा बहुत आना चाहिए, तो फिर यूं करते हैं कि एसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिला के कर लेते हैं, एसी से शुरू करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स साथ ही कर लेते हैं, क्या कहती हैं आप? ठीक है ना? ठीक है सर, बस जबरदस्त हो गया। नहीं आपकी बात, आपको 5 मिनट चाहिए थे। हाँ महत बताओ। हाँ एक मिनट, ओके, तो ये पार्ट बी में आपने नॉर्थ और साउथ किस तरह डिसाइड किया, पहले ये बताएं प्लीज। मैंने महत इस तरह किया, देखो बात सुनो, जो रोटेशन थी वो थी क्लॉकवाइज थी या एंटी क्लॉकवाइज थी, ये बताओ, तुम खुद बताओ। एंटी क्लॉकवाइज थी। हाँ, जब रोटेशन थी एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने देखा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को रोकने के लिए फोर्सेज यूं रखनी चाहिए, ठीक है, जब फोर्सेज डिसाइड हो गई फिर मैंने देखा ऊपर नॉर्थ था और नीचे साउथ था, ठीक है, और उसके बीच में हमने ये देखा कि जो कॉयल थी, ये कॉयल थी ना, इस कॉयल के ये टर्न्स थे, इन टर्न्स के साथ यहां पे लगा हुआ था गैल्वेनोमीटर। अब महत देखो, हमने ये डिसाइड कर लिया कि इस पे फोर्स इधर होनी चाहिए, इस पे फोर्स इधर होनी चाहिए, यहां तक तुम्हें बात समझ आ गई। अब देखो, अगर इस पे फोर्स ऊपर चाहिए तो ये साउथ होगा ताकि इसको नॉर्थ अट्रैक्ट करे, और इसकी अट्रैक्शन हमें नीचे से चाहिए, तो इसको फिर नॉर्थ होना चाहिए ताकि इसको साउथ अट्रैक्ट करे। महादा बताओ। नहीं समझ आया, मतलब ऐसे तो सर राइट भी कह सकते हैं कि वो साउथ होना चाहिए, नहीं कह सकते। तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें इस जगह पे फोर्स चाहिए ऊपर की तरफ, महद मुझे तुम्हारा मसला समझ आ गया, तुम बस ये चीज बताओ मुझे, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, ठीक है, ये भी कोई नॉर्थ साउथ था लेकिन इस पे फोर्स ऊपर की तरफ है, तुम डिसाइड करो ये क्या था। हम ये साउथ होगा, नीचे वाला। ये बताओ ना यार, ये क्या होगा? क्या मतलब सर? यार ये बताओ ना, ये क्या होगा, ये जो ये ब्लॉक बना हुआ, ये साउथ है या नॉर्थ है, ये बताओ। ये साउथ है, बस बात खत्म। तो यही इसी तरह डिसाइड करना है के ऊपर वाले पोल्स को देखे, ऊपर क्योंकि नॉर्थ है और नीचे साउथ है। हाँ, तो इसी और मैं राइट वे नॉर्थ को देखा था, आई एम सॉरी, ठीक है। उसके बाद सर, ठीक है, उसके बाद जो थर्म होता है, आप कहते हैं अगर राइट पे हमें नॉर्थ डायरेक्शन में करना होता है ना थर्म, राइट? हाँ, तो अगर राइट पे रखे हैं, लेफ्ट पे रखे, बात तो ये की दोनों तरफ नीचे जा रहे हैं आपकी फिंगर्स। नहीं, एक बात नहीं है, तुम अपनी फिंगर्स को देखा करो, थर्म जब नॉर्थ की डायरेक्शन में रख लो ना
फिर फिंगर्स के जो तुम्हारे फिंगर्स की हाँ नीचे जा रही है, हाँ तो वो करंट होता है, जिस तरह तुम्हारी फिंगर्स होंगी वो करंट होगा। लेकिन अगर लेफ्ट पे अपना थंब रखो तब भी आपके फिंगर्स नीचे ही जा रही हैं। ना ना नहीं, फिंगर्स के नीचे ऊपर नहीं देखते होते, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। लेकिन आपका हाथ तो आपका थंब जो होगा, हाँ हाँ, तो खुदा के बंदे मेरी बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, यस सर। तुम अपने थंब को इस तरफ रखो और बात सुनो, तुम स्कूल आ रहे हो, स्कूल तुम कल मंडे वाले दिन स्कूल आ जाओ, मैं तुम्हें ये हैंड रूल जो है ना लाइव समझा दूंगा। सर अभी समझा दीजिए मुझे, देखें अगर लाइट तो मतलब मैं हवा पे कैसे समझाऊंगा, मेरी बात सुनो, तुम मंडे वाले दिन स्कूल आ जाओ ठीक है, ताकि मैं तुम्हें फिजिकली बता सकूं कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब इस तरह तो मैं तुम्हें थंब इधर है, मुंह उधर है, ठीक है, किस तरफ मुंह है, किस तरफ पैर है, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ठीक है। और दूसरा सर वो ग्राफ वाला पेज खोलिएगा प्लीज जल्दी से। बच्चो ए टू की क्लास खत्म हो गई है मेरी, अभी ए वन की क्लास शुरू होगी। ये वाला माद, ये वाला ग्राफ वाला नहीं, पीछे जो काफी शुरू वाले ग्राफ थे। बात कौन से वाले, ये वाले हाँ। तो अगर सर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन रेट ऑफ चेंज डिक्रीज होगा अगर वो कर्व नीचे की तरफ आ रहा होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दो कॉन्सेप्ट है ना बस ग्राफ के जो मुझे याद होने चाहिए। ये बिल्कुल ये ठीक है ठीक है। और सर दूसरा जो पावर की कन्वर्जन है वो मैं कभी कभी समझने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं समझ आता, तो वो आखिर में अगर मैं छोड़ दूँ ठीक बात है। इस तरह मैं आखिर में ना एक कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा इंशाल्लाह। नहीं खाली पावर्स की जो आप कन्वर्जन करते हैं उस बात की, कैसे पावर, कौन सी पावर, मतलब जिस तरह यहाँ पे टेस्ला था ना तो हम लोगों ने मेगा टेस्ला में कन्वर्ट किया था इस तरह। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आखिर के लिए छोड़ दो, आखिर में कर लेंगे ठीक है। और आखिरी बात सर आपने वो नई कैम्ब्रिज की अपडेट देखी है कल जो आई है? आई थिंक मैंने देखी है, जो वो एक पेपर आप एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं, तो हमारा बस ये ऑप्शन होगा कि एग्जेम्प्ट करवाने का, हम ना सोचे इस तरह अभी। बेटा ये तुम जाके स्कूल वालों से पूछो, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, पेपर फाइव ना करो। नहीं वो डेफिनेटली नहीं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन होगा, अब मैं ज़हन में रखूं बात या नहीं, बस पढ़ूं बैठ के फिलहाल। तुम स्कूल के रिस्पेक्ट से पूछ रहे हो या एकेडमी के रिस्पेक्ट, इसके स्कूल के स्कूल 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 हमारा स्कूल ऑप्शन नहीं देगा जो इतनी मेरी समझ है। ओके तो अगर हम लोग आखिर में स्कूल छोड़ बच्चों, अगर कोई बच्चा हो ना इनका स्कूल जो है वो बीकन नहीं है, तो अगर कोई बच्चा बीकन का हो तो वो ये ना समझे इनका स्कूल एलजीएसए इज आस्किंग अबाउट दैट स्कूल। महत स्कूल की बातें एकेडमी में ना किया करो ना, स्कूल की बात okay, I'm really sorry, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, वो होगा पता है क्या, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें स्कूल के रिस्पेक्ट से कुछ बताऊंगा, बाकी बच्चे जो बैठे हैं कोई होगा रूट्स मिलेनियम का, कोई बीकन हाउस का, कोई किस स्कूल का, वो तुम्हारा yes, अपने ऊपर अप्लाई कर लेंगे ठीक सर, तुम्हें समझिए वो फिर खिचड़ी पक जाएगी। तो बच्चों ये एलजीएस के रिस्पेक्ट से मुझसे कुछ पूछ रहे थे, इट वॉज नॉट अबाउट एनी अदर स्कूल। चलो बच्चों टेक केयर, खुदा हाफिज सर। जी बेटा। सर ये ग्राफ में उससे लेंजेस लॉ से तो समझ आ गया है, ये करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ, लेकिन उसमें जो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ वो होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ करंट जो है, तो ये इस तरह से ग्राफ लास्ट पार्ट में कैसे बना है? तो लास्ट पार्ट में ऐसे बना है सी टू डी। हां मैं बताता हूं, देखिए आप सी टू डी अगर देखें बेटा, हैं बच्चों ये ए1 के बच्चों, ये अभी ए2 के सवाल चल रहे हैं, परेशान नहीं होना बेटा। ये देखें ना सी टू डी, आप देखें ये है ना आपका करंट, आप मुझे बताएं सी टू डी, आप मुझे बताएं रेट को आप क्या लिखेंगे? मैं तो कहूंगा रेट इज नेगेटिव एंड रेट इज डिक्रीजिंग। आप मुझसे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे इस बात पे? यस और नो? जी सर जी। फिर हो गई ना बात, देखें अब जो रेट है वो नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है, तो जो वोल्ट बनेंगे वो होंगे पॉजिटिव, साइन चेंज होता है और डिक्रीजिंग होंगे। एग्रीड? जी सर समझ आ गई है, ठीक है। चलो बेटा टेक केयर, खुदा हाफिज। अच्छा ए1 के बच्चों अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, तो चलो जी ए1 के बच्चों। सर आखिरी बात सर, अगर रेट डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन ग्राफ तो पॉजिटिव होगा ना, जो ग्राफ माद अब तुम्हारी बातें सुन के ना ए1 के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आई एम सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं, ये बेचारे ए1 के बच्चे जो है इनकी ए1 की पढ़ाई होती है, तुम ए2 के मुश्किल मुश्किल बातें करोगे तो वो बेचारे वैसे ही ए1 से परेशान है उनका ए2 में फिर। अच्छा बच्चों मैं जरा ना ग्रुप पे शेयर कर लूँ, बस फिर क्लास शुरू कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जी मोमेंट एंड इक्विलिब्रियम और थ्री फोर्सेस का इक्विलिब्रियम हम सीख रहे थे, तो अरम ऐसे ही है ना? अरम बेटा हम थ्री फोर्स यही कर रहे हैं, हम थ्री फोर्सेस का इक्विलिब्रियम सीख रहे हैं, ठीक है।
और यार वो वाला बच्चा है जिसने मुझे ए ग्रेड लेके गाड़ी गिफ्ट करनी है सर, वो ही हूँ। ओए होए क्या बात है जी, तुम्हारा तो मैंने एक